साउथ में दोस्तों वैसे तो बहुत सारी ज़बरदस्त मूवीज़ अवेलेबल है लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती है जो कि हमारे दिल को छू लेती है और उसे हम लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं आज मैं आपको साउथ की ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है अल्लाह वेंकटपुरमुल वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो शानदार फिल्म है वो कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं और अगर हमें हिंदी के अंदर देखनी है तो कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है और इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कास्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे मतलब आपको फ़िल्म के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी जो है वो मिलने वाली है फिल्म दोस्तों वाकई ही बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और जो अल्लू अर्जुन है इनकी जो करियर है इनकी जो मूवीज़ है वो मूवीज़ में से एक बहुत ही बेहतरीन मूवी साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म का कारोबार भी काफ़ी बढ़िया रहा था काश इस मूवी को उस टाइम पर हिंदी के अंदर भी रिलीज़ कराया जाता तो शायद ये मूवी दोस्तों और कमाल कर देती तो अगर फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2020 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और यहाँ पर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिला था दोस्तों आपको बताया होगा कि 2020 के अंदर हमें लॉकडाउन भी देखने को मिला था लेकिन ये फिल्म उससे पहले रिलीज़ हो गई थी अगर लॉकडाउन के टाइम पे भी रिलीज़ होती तो शायद अल्लू अर्जुन का इतना क्रेज़ है कि मूवी ज़रूर हिट होती खैर ये मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ है सौ पड़ते से किसे मिले हुए है रोट एन टमाटोज की तरफ से और सात पॉइंट तीन की रेटिंग इसे मिली है आईएमडीबी की तरफ से और इसे डायरेक्ट किया हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले दे चुके हैं जैसे कि अथाड़ू है गुंटूरू कारम और अरविंदा सामथा वीरा राघवा कलेजा जुलाए ऐसी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने दे रखी है इनके दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो काफ़ी फेमस भी रही है जैसे कि सन ऑफ सत्यमूर्ति जो कि बहुत ही बढ़िया फ़िल्म रही थी अगर हम डबिंग की बात करें तो इस फिल्म की डबिंग भी काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि गोल्ड मैन ने कराई है जो गोल्ड मैन से इन्होंने ही इस फिल्म की डबिंग कराई हुई है तो डबिंग भी दोस्तों इस फिल्म की काफ़ी शानदार हुई है और संकेत महात्रे का ही वॉइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है फिल्म के लेट कास्ट में आपको पूजा हैगड़े वैष्णवी चैतनिया जयराम अल्लू अर्जुन निवथा पैथुराज सुशांत अनुमोलु तब्बू मुरली शर्मा समुद्र करणी रोहिणी सचिन केडेकर नवदीप ऐश्वर्य राव गोविंद हाइपर आदि सत्यराज सुनील नसर वनला किशोर तनिकला भरानी कल्याणी एन राजेंद्र प्रसाद हर्षावर्धन राहुल रामाकृष्ण ब्रह्मा जी ऐसे आपको बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो आपको बिल्कुल भी दोस्त निराश नहीं होने देगा तो चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है इस मूवी को देखना चाहते हैं तो YouTube पर ही अवेलेबल नहीं है इसके लिए आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी आप लोग टीवी पर इसे जो है वो देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको टीवी पर देखने को मिल जाएंगी आपको टीवी पर आसानी से ये फ़िल्म मिलेंगी और अक्सर जो गोल्ड मैन से इनकी टी चैनल पर ये मूवी आती रहती है तो आप टीवी पर भी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये फिल्म जो है बनाई गई है और शुरू से लेकर एंड तक कि ये जो है आपको बांधे रखती है और इसमें ये जो है वो कामयाब रहती है इसे प्रोड्यूस किया था हारिका एंड हसीन क्रिएशन ने इसके अलावा जो अलू अर्जुन के पिताजी है वही इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर भी रहे हैं मूवी के अंदर आपको थमन एस का कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है कहानी काफ़ी सिंपल रहती है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसका स्क्रीन प्ले सीनेटोग्राफी हो बहुत ही बढ़िया है शुरुआत के अंदर आपको ये दिखाया गया है कि जो मुरली शर्मा है इनका नाम वाल्मीकि फ़िल्म के अंदर होता है वो एक बहुत ही बड़ा जो रहीज़ खानदान होता है वहाँ पर वो काम करता है जॉब की और मतलब उनकी जो मालकिन है वाल्मीकि की जो मालकिन तब्बू है यानी कि यशोदा है वो होती है प्रेग्नेंट और उसे अस्पताल लिया जाता है और सैम डे पर जो वाल्मीकि की जो पत्नी है वही अस्पताल के अंदर होती है अब दुर्भाग्य दुर्भाग्य से होता यूँ है कि दोनों को बेटा होता है लेकिन जो यशोदा को बेटा हुआ है वो थोड़ी देर आँख नहीं खुल रहा होता है और वाल्मीकि कंजूस आदमी होता है और उसकी आर्थिक परिस्थिति ख़राब होने की वजह से वो ऐसा सोचता है कि उसके वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो लेकर ऊपर जाएगा वहाँ रख देगा और वो जो बच्चा आँख नहीं खुल रहा है उसे वो लेकर नीचे आ जाएगा और अपनी वाइफ के पास रख देगा जब उसकी पत्नी आँख खोलेंगे तो बता देगा कि हमारा बच्चा जो हुआ है वो आँख नहीं खुल रहा है हो सकता है कि इनकी मृत्यु हुई है मतलब ऐसी वो सोच रखता है और ये सब कुछ करते हुए एक नर्स देख लेते हैं लेकिन वो उसे धक्का मारता है और वो गिर जाती है फिर आता है दोस्तों कहानी के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट ये होता है कि कुछ समय बाद वही बच्चा आँख खोल देता है अब तो वाल्मीकि को भी शौक़ लगता है लेकिन वो कुछ कर तो नहीं सकता अब तो क्योंकि जो हो गया है वो तो हो गया है अब वही बच्चा जो बड़ा हो बड़ा होकर बंटू यानी कि आलोर्जन होते हैं जो कि वाल्मीकि के साथ रहता है और जो वाल्मीकि का जो बच्चा होता है इनका नाम राज मनोहर है जो कि अब यशोदा के पास है और एक रही जिंदगी जी रहा होता है लेकिन वो बात तो दोस्तों है ही ना कि सच्चा एक दिन ज़रूर सामने आ ही जाती है भले ही आप कितना भी छुपा लो और ऐसा ही दोस्तों एक दिन हो ही जाता है जो बंटू है इसको सब कुछ मालूम पड़ी जाता है कि दरअसल जो वाल्मीकि है वो मेरा असली पिता नहीं है असली पिता उसका रामचंद्रा है और उसकी असली माता यशोदा है लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना दोस्तों वो वाकई बहुत ही गजब का है एकदम परफेक्ट क्लाइमेक्स आप इसे कह सकते हैं फिल्म वाकई बहुत ही अच्छी बनाई गई है और ये भी आप ज़रूर जानिए कि जब उसे मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि उसका असली पिता नहीं है तो क्या क्या सीन यहाँ पर होते हैं और आपको यहाँ पर जो व्यस्त भी हो भी देखने को मिलते हैं इस फिल्म के अंदर इनका भी दोस्तों काफ़ी अच्छा रोल फिल्म के अंदर है हालांकि वो बहुत सारे शो के अंदर भी आपको देखने को मिली होगी और काफ़ी सारे रील्स में भी वो काफ़ी पॉपुलर है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा आप कोई निराश नहीं करेंगी अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी आप इसे देख सकते हैं साउथ में दोस्तों वैसे तो बहुत सारी ज़बरदस्त मूवीज़ अवेलेबल है लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसे भी होती है जो कि हमारे दिल को छू लेती है और उसे हम लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं आज मैं आपको साउथ की ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है अल्लाह वेंकटपुरमुल वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो शानदार फिल्म है वो कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं और अगर हमें हिंदी के अंदर देखनी है तो कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है और इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कास्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे मतलब आपको फ़िल्म के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी जो है वो मिलने वाली है फिल्म दोस्तों वाकई ही बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और जो अल्लू अर्जुन है इनकी जो करियर है इनकी जो मूवीज़ है वो मूवीज में से एक बहुत ही बेहतरीन मूवी साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म का कारोबार भी काफ़ी बढ़िया रहा था काश इस मूवी को उस टाइम पर हिंदी के अंदर भी रिलीज़ कराया जाता तो शायद ये मूवी दोस्तों और कमाल कर देती तो अगर फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2020 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और यहाँ पर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिला था दोस्तों आपको बताइए होगा कि 2020 के अंदर हमें लॉकडाउन भी देखने को मिला था लेकिन ये फिल्म उससे पहले रिलीज़ हो गई थी अगर लॉकडाउन के टाइम पे भी रिलीज़ होती तो शायद अल्लू अर्जुन का इतना क्रेज है कि मूवी ज़रूर हिट होती खैर ये मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ है सौ पड़ते से किसे मिले हुए है रॉटन टमाटोज की तरफ से और सात पॉइंट तीन की रेटिंग इसे मिली है आईएमडीबी की तरफ से और इसे डायरेक्ट किया हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले दे चुके हैं जैसे कि अत्थाड़ू है गुंटूरू कारम और अरविंदा सामथा वीरा राघवा कलेजा जुलाई ऐसी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने दे रखी है इनके दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो काफ़ी फेमस भी रही है जैसे कि सन ऑफ सत्यमूर्ति जो कि बहुत ही बढ़िया फ़िल्म रही थी अगर हम डबिंग की बात करें तो इस फिल्म की डबिंग भी काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि गोल्ड मैंने कराई है जो गोल्ड से इन्होंने ही इस फिल्म तो इस फिल्म फिल्म की की डबिंग डबिंग कराई हुई हुई है। है। तो भी दोस्तों काफी शानदार और का चतनिया जया जयराम अल्लू अर्जुन निवथा पैथुराज सुशांत अनुमोलू तब्बू मुरली शर्मा समुद्र करणी रोहिणी सचिन केडेकर नवदीप ऐश्वरी राव गोविंद हाइपर आदि सत्यराज सुनील नसर वनला किशोर तनिकला भरानी कल्याणी एन राजेंद्र प्रसाद हर्षवर्धन राहुल रामा ब्रह्मा जी ऐसे आपको बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो आपको बिल्कुल भी दोस्त निराश नहीं होने देगा तो चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ही अवेलेबल नहीं है इसके लिए आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी आप लोग टी पर इसे जो है वो देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको टी पर देखने को मिल जाएंगी आपको टी पर आसानी से ये फ़िल्म मिलेंगी और अक्सर जो गोल्ड माइंड से इनकी टी वी चैनल पर ये मूवी आती रहती है तो आप टी वी पर भी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये फिल्म जो है बनाई गई है और शुरू से लेकर एंड तक ये जो है आपको बांधे रखती है और इसमें ये जो है वो कामयाब रहती है इसे प्रोड्यूस किया था हारिका एंड हसीन क्रियसन ने इसके अलावा जो अलू अर्जुन के पिताजी है वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी रहे हैं मूवी के अंदर आपको थमन एस का कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है कहानी काफ़ी सिंपल रहती है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसका स्क्रीन प्ले सिनेमामेटोग्राफी हो बहुत ही बढ़िया है शुरुआत के अंदर आपको ये दिखाया गया है कि जो मुरली शर्मा है इनका नाम वाल्मीकि फ़िल्म के अंदर होता है वो एक बहुत ही बड़ा जो तो रेज ख़ानदान होता है वहाँ पर वो काम करता है जॉब की और मतलब उनकी जो मालकिन है वाल्मीकि की जो मालकिन तब्बू है यानी कि यशोदा है वो होती है प्रेग्नेंट और उसे अस्पताल लिया जाता है और सेम डे पर जो वाल्मीकि की जो पत्नी है वही अस्पताल के अंदर होती है अब दुर्भाग्य दुर्भाग्य से होता यूँ है कि दोनों को बेटा होता है लेकिन जो यौदा को बेटा हुआ है वो थोड़ी देर आँख नहीं खुल रहा होता है और वाल्मीकि कंजूस आदमी होता है और उसकी आर्थिक परिस्थिति ख़राब होने की वजह से वो ऐसा सोचता है कि उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो लेकर ऊपर जाएगा वहाँ रख देगा और वो जो बच्चा आँख नहीं खुल रहा है उसे वो लेकर नीचे आ जाएगा और अपनी वाइफ के पास रख देगा जब उसकी पत्नी आँख खोलेंगी तो बता देगा कि हमारा बच्चा जो हुआ है वो आँख नहीं खुल रहा है हो सकता है कि इनकी मृत्यु हुई है मतलब ऐसी वो सोच रखता है और ये सब कुछ करते हुए एक नर्स देख लेती है लेकिन वो उसे धक्का मारता है और वो गिर जाती है फिर आता है दोस्तों कहानी के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट ये होता है कि कुछ समय बाद वही बच्चा आँख खोल देता है अब तो वाल्मीकि को भी शौक़ लगता है लेकिन वो कुछ कर तो नहीं सकता अब तो क्योंकि जो हो गया है वो तो हो गया है अब वही बच्चा जो बड़ा हो बड़ा होकर बंटू यानी कि अलो होते हैं जो कि वाल्मीकि के साथ रहता है और जो वाल्मीकि का जो बच्चा होता है इनका नाम राज मनोहर है जो कि अब यशोदा के पास है और एक रही जिंदगी जी रहा होता है लेकिन वो बात तो दोस्तों है ही ना कि सच्चा एक दिन ज़रूर सामने आ ही जाती है भले ही आप कितना भी छुपा लो और ऐसा ही दोस्तों एक दिन हो ही जाता है जो बंटू है इसको सब कुछ मालूम पड़ ही जाता है कि दरअसल जो वाल्मीकि है वो मेरा असली पिता नहीं है असली पिता उसका रामचंद्रा है और उसकी असली माता यशोदा है लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना दोस्तों वो वाकई ही बहुत ही गजब का है एकदम परफेक्ट क्लाइमेक्स आप इसे कह सकते हैं फिल्म वाकई ही बहुत ही अच्छी बनाई गई है और ये भी आप ज़रूर जानिए कि जब उसे मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि उसका असली पिता नहीं है तो क्या क्या सीन यहाँ पर होते हैं और आपको यहाँ पर जो व्यस्तें भी चतने वो भी देखने को मिलते हैं इस फिल्म के अंदर इनका भी दोस्तों काफ़ी अच्छा रोल फिल्म के अंदर है हालांकि वो बहुत सारे शो के अंदर भी आपको देखने को मिली होगी और काफ़ी सारे रील्स में भी वो काफ़ी पॉपुलर है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा आप कोई निराश नहीं करेंगी अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी आप इसे देख सकते हैं साउथ में दोस्तों वैसे तो बहुत सारी ज़बरदस्त मूवीज़ अवेलेबल है लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती है जो कि हमारे दिल को छू लेती है और उसे हम लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं आज मैं आपको साउथ की ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है अल्लाह वैंकटपुरमुल वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो शानदार फिल्म है वो कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं और अगर हमें हिंदी के अंदर देखनी है तो कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है और इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कास्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे मतलब आपको फ़िल्म के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी जो है वो मिलने वाली है फिल्म दोस्तों वाकई ही बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और जो अल्लू अर्जुन है इनकी जो करियर है इनकी जो मूवीज़ है वो मूवीज़ में से एक बहुत ही बेहतरीन मूवी साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म का कारोबार भी काफ़ी बढ़िया रहा था काश इस मूवी को उस टाइम पर हिंदी के अंदर भी रिलीज़ कराया जाता तो शायद ये मूवी दोस्तों और कमाल कर देती तो अगर फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2020 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और यहाँ पर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिला था दोस्तों आपको बताया होगा कि 2020 के अंदर हमें लॉकडाउन भी देखने को मिला था लेकिन ये फिल्म उससे पहले रिलीज़ हो गई थी अगर लॉकडाउन के टाइम पे भी रिलीज़ होती तो शायद अल्लू अर्जुन का इतना क्रेज़ है कि मूवी ज़रूर हिट होती खैर ये मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्ट रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ है सौ पड़ते से किसे मिले हुए हैं रोट एन की तरफ से और सात पॉइंट तीन की रेटिंग इसे मिली है आईएमडीबी की तरफ से और इसे डायरेक्ट किया हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले दे चुके हैं जैसे कि अत्थाड़ू है गुंटूरू कारम और अरविंद सामिथा वीरा राघवा कलेजा जुलाई ऐसी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने दे रखी है इनके दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो काफ़ी फेमस भी रही है जैसे कि सन ऑफ सत्यमूर्ति जो कि बहुत ही बढ़िया फिल्म रही थी अगर हम डबिंग की बात करें तो इस फिल्म की डबिंग भी काफी अच्छी कराई गई है जो कि गोल्ड मैन ने कराई है जो गोल्ड मैन से इन्होंने ही इस फिल्म की डबिंग कराई हुई है तो डबिंग भी दोस्तों इस फिल्म की काफी शानदार हुई है और संकेत माधरे का ही वॉइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है फिल्म के कास्ट में आपको पूजा हैगड़े वैष्णवी चतनिया जयराम अल्लू अर्जुन नेवथा पैथुराज सुशांत अनुमोलू तब्बू मुरली शर्मा करणी रोहिणी सचिन केडेकर नवदीप ऐश्वरी राव गोविंद हाइपर आदि सत्यराज नसर किशोर कल्याणी एन राजेंद्र प्रसाद हर्षवर्धन राहुल रामा ब्रह्मा जी ऐसे आपको बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो आपको बिल्कुल भी दोस्त निराश नहीं होने देगा तो चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ही अवेलेबल नहीं है इसके लिए आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी आप लोग टी पर इसे जो है वो देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको टी पर देखने को मिल जाएंगी आपको टी पर आसानी से ये फ़िल्म मिलेंगी और अक्सर जो गोल्ड माइंड से इनकी टी चैनल पर ये मूवी आती रहती है तो आप टी पर भी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये फिल्म जो है बनाई गई है और शुरू से लेकर एंड तक ये जो है आपको बांधे रखती है और इसमें ये जो है वो कामयाब रहती है इसे प्रोड्यूस किया था हारिका एंड हसीन क्रियसन ने इसके अलावा जो अलू अर्जुन के पिताजी है वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी रहे हैं मूवी के अंदर आपको थमन एस का कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है कहानी काफ़ी सिंपल रहती है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसका स्क्रीन प्ले सिनेटोग्राफी हो बहुत ही बढ़िया है शुरुआत के अंदर आपको ये दिखाया गया है कि जो मुरली शर्मा है इनका नाम वाल्मीकि फ़िल्म के अंदर होता है वो एक बहुत ही बड़ा जो रहीस ख़ानदान होता है वहाँ पर वो काम करता है जॉब की और मतलब उनकी जो मालकिन है वाल्मीकि की जो मालकिन तब्बू है यानी कि यशोदा है वो होती है प्रेग्नेंट और उसे हस्पताल लिया जाता है और सैम डे पर जो वाल्मीकि की जो पत्नी है वो वही अस्पताल के अंदर होती है अब दुर्भाग्य दुर्भाग्य से होता यूँ है कि दोनों को बेटा होता है लेकिन जो यशोदा को बेटा हुआ है वो थोड़ी देर आँख नहीं खुल रहा होता है और वाल्मीकि कंजूस आदमी होता है और उसकी आर्थिक परिस्थिति ख़राब होने की वजह से वो ऐसा सोचता है कि उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो लेकर ऊपर जाएगा वहाँ रख देगा और वो जो बच्चा आँख नहीं खुल रहा है उसे वो लेकर नीचे आ जाएगा और अपनी वाइफ के पास रख देगा जब उसकी पत्नी आँख खोलेंगी तो बता देगा कि हमारा बच्चा जो हुआ है वो आंख नहीं खोल रहा है हो सकता है कि इनकी मृत्यु हुई है मतलब ऐसी वो सोच रखता है और ये सब कुछ करते हुए एक नर्स देख लेती है लेकिन वो उसे धक्का मारता है और वो गिर जाती है फिर आता है दोस्तों कहानी के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट ये होता है कि कुछ समय बाद वही बच्चा आँख खोल देता है अब तो वाल्मीकि को भी शौक़ लगता है लेकिन वो कुछ कर तो नहीं सकता अब तो क्योंकि जो हो गया है वो तो हो गया है अब वही बच्चा जो बड़ा हो बड़ा होकर बंटू यानी कि अलोर्जुन होते हैं जो कि वाल्मीकि के साथ रहता है और जो वाल्मीकि का जो बच्चा होता है इनका नाम राज मनोहर है जो कि अब यशोदा के पास है और एक रही जिंदगी जी रहा होता है लेकिन वो बात तो दोस्तों है ना कि सच्चा एक दिन ज़रूर सामने आ ही जाती है भले ही आप कितना भी छुपा लो और ऐसा ही दोस्तों एक दिन हो ही जाता है जो बंटू है इसको सब कुछ मालूम पड़ ही जाता है कि दरअसल जो वाल्मीकि है वो मेरा असली पिता नहीं है असली पिता उसका रामचंद्रा है और उसकी असली माता यशोदा है लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना दोस्तों वो वाकई ही बहुत ही गजब का है एकदम परफेक्ट क्लाइमेक्स आप इसे कह सकते हैं फिल्म वाकई ही बहुत ही अच्छी बनाई गई है और ये भी आप ज़रूर जानिए कि जब उसे मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि उसका असली पिता नहीं है तो क्या क्या सीन यहाँ पर होते हैं और आपको यहाँ पर जो व्यस्त भी चतने हो भी देखने को मिलते हैं इस फिल्म के अंदर इनका भी दोस्तों काफ़ी अच्छा रोल फिल्म के अंदर है हालांकि वो बहुत सारे शो के अंदर भी आपको देखने को मिली होगी और काफ़ी सारे रील्स में भी वो काफ़ी पॉपुलर है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा आप कोई निराश नहीं करेंगी अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी आप इसे देख सकते हैं साउथ में दोस्तों वैसे तो बहुत सारी ज़बरदस्त मूवीज़ अवेलेबल है लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसे भी होती है जो कि हमारे दिल को छू लेती है और उसे हम लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं आज मैं आपको साउथ की ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है अल्लाह वेंकटपुरमुल वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो शानदार फिल्म है वो कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं और अगर हमें हिंदी के अंदर देखनी है तो कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है और इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कास्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे मतलब आपको फ़िल्म के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी जो है वो मिलने वाली है फिल्म दोस्तों वाकई ही बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और जो अल्लू अर्जुन है इनकी जो करियर है इनकी जो मूवीज़ है वो मूवीज़ में से एक बहुत ही बेहतरीन मूवी साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म का कारोबार भी काफ़ी बढ़िया रहा था काश इस मूवी को उस टाइम पर हिंदी के अंदर भी रिलीज़ कराया जाता तो शायद ये मूवी दोस्तों और कमाल कर देती तो अगर फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2020 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और यहाँ पर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिला था दोस्तों आपको बताया होगा कि 2020 के अंदर हमें लॉकडाउन भी देखने को मिला था लेकिन ये फिल्म उससे पहले रिलीज़ हो गई थी अगर लॉकडाउन के टाइम पे भी रिलीज़ होती तो शायद अल्लू अर्जुन का इतना क्रेज़ है कि मूवी ज़रूर हिट होती खैर ये मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्ट रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ है सौ पड़ते से किसे मिले हुए है रोट एन की तरफ से और सात पॉइंट तीन की रेटिंग इसे मिली है आईएमडीबी की तरफ से और इसे डायरेक्ट किया हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले दे चुके हैं जैसे कि अत्थाड़ू है गुंटूरू कारम और अरविंद सामेथा वीरा राघवा कलेजा जुलाए ऐसी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने दे रखी है इनके दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो काफ़ी फेमस भी रही है जैसे कि सन ऑफ सत्यमूर्ति जो कि बहुत ही बढ़िया फिल्म रही थी अगर हम डबिंग की बात करें तो इस फिल्म की डबिंग भी काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि गोल्ड मैन ने कराई है जो गोल्ड मैन से इन्होंने ही इस फिल्म की डबिंग कराई हुई है तो डबिंग भी दोस्तों इस फिल्म की काफ़ी शानदार हुई है और संकेत महाद्रे का ही वॉइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है फिल्म के कास्ट में आपको पूजा हैगड़े वैष्णवी चतनिया जया अल्लू अर्जुन निवथा पैथू सुशांत अनुमोलू तब्बू मुरली शर्मा समुद्र करणी रोहिणी सचिन केडेकर नवदीप ऐश्वरी राव गोविंद हाइपर आदि सत्यराज सुनील नसर वनला किशोर तनिकला भरानी कल्याणी एन राजेंद्र प्रसाद हर्षवर्धन राहुल रामा ब्रह्मा जी ऐसे आपको बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो आपको बिल्कुल भी दोस्त निराश नहीं होने देगा तो चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ही अवेलेबल नहीं है इसके लिए आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएगी आप लोग टी पर इसे जो है वो देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको टीवी पर देखने को मिल जाएंगी आपको टीवी पर आसानी से ये फ़िल्म मिलेंगी और अक्सर जो गोल्ड माइंड से इनकी टी चैनल पर ये मूवी आती रहती है तो आप टी पर भी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये फिल्म जो है बनाई गई है और शुरू से लेकर एंड तक ये जो है आपको बांधे रखती है और इसमें ये जो है वो कामयाब रहती है इसे प्रोड्यूस किया था हारिका एंड हसीन क्रियसन ने इसके अलावा जो अलू अर्जुन के पिताजी है वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी रहे हैं मूवी के अंदर आपको थमन एस का कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है कहानी काफ़ी सिंपल रहती है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसका स्क्रीन प्ले सीनेटोग्राफी हो बहुत ही बढ़िया है शुरुआत के अंदर आपको ये दिखाया गया है कि जो मुरली शर्मा है इनका नाम वाल्मीकि फ़िल्म के अंदर होता है वो एक बहुत ही बड़ा जो रहीस ख़ानदान होता है वहाँ पर वो काम करता है जॉब की और मतलब उनकी जो मालकिन है वाल्मीकि की जो मालकिन तब्बू है यानी कि यशोदा है वो होती है प्रेग्नेंट और उसे हस्पताल लिया जाता है और सैम डे पर जो वाल्मीकि की जो पत्नी है वो वही अस्पताल के अंदर होती है अब दुर्भाग्य दुर्भाग्य से होता यूँ है कि दोनों को बेटा होता है लेकिन जो यशोदा को बेटा हुआ है वो थोड़ी देर आँख नहीं खुल रहा होता है और वाल्मीकि कंजूस आदमी होता है और उसकी आर्थिक परिस्थिति ख़राब होने की वजह से वो ऐसा सोचता है कि उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो लेकर ऊपर जाएगा वहाँ रख देगा और वो जो बच्चा आँख नहीं खुल रहा है उसे वो लेकर नीचे आ जाएगा और अपनी वाइफ के पास रख देगा जब उसकी पत्नी आँख खोलेंगी तो बता देगा कि हमारा बच्चा जो हुआ है वो आंख नहीं खोल रहा है हो सकता है कि इनकी मृत्यु हुई है मतलब ऐसी वो सोच रखता है और ये सब कुछ करते हुए एक नर्स देख लेती है लेकिन वो उसे धक्का मारता है और वो गिर जाती है फिर आता है दोस्तों कहानी के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट ये होता है कि कुछ समय बाद वही बच्चा आँख खोल देता है अब तो वाल्मीकि को भी शौक लगता है लेकिन वो कुछ कर तो नहीं सकता अब तो क्योंकि जो हो गया है वो तो हो गया है अब वही बच्चा जो बड़ा हो बड़ा होकर बंटू यानी कि अलो होते हैं जो कि वाल्मीकि के साथ रहता है और जो वाल्मीकि का जो बच्चा होता है इनका नाम राज मनोहर है जो कि अब यशोदा के पास है और एक रही जिंदगी जी रहा होता है लेकिन वो बात तो दोस्तों है ही ना कि सच्चा एक दिन ज़रूर सामने आ ही जाती है भले ही आप कितना भी छुपा लो और ऐसा ही दोस्तों एक दिन हो ही जाता है जो बंटू है इसको सब कुछ मालूम पड़ ही जाता है कि दरअसल जो वाल्मीकि है वो मेरा असली पिता नहीं है असली पिता उसका रामचंद्रा है और उसकी असली माता यशोदा है लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना दोस्तों वो वाकई बहुत ही गजब का है एकदम परफेक्ट क्लाइमेक्स आप इसे कह सकते हैं फिल्म वाकई बहुत ही अच्छी बनाई गई है और ये भी आप ज़रूर जानिए कि जब उसे मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि उसका असली पिता नहीं है तो क्या क्या सीन यहाँ पर होते हैं और आपको यहाँ पर जो वैसने वी चौतनिया भी देखने को मिलते हैं इस फिल्म के अंदर इनका भी दोस्तों काफ़ी अच्छा रोल फिल्म के अंदर है हालांकि वो बहुत सारे शो के अंदर भी आपको देखने को मिली होगी और काफ़ी सारे रील्स में भी वो काफ़ी पॉपुलर है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा आप कोई निराश नहीं करेंगी अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी आप इसे देख सकते हैं साउथ में दोस्तों वैसे तो बहुत सारी ज़बरदस्त मूवीज़ अवेलेबल है लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसे भी होती है जो कि हमारे दिल को छू लेती है और उसे हम लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं आज मैं आपको साउथ की ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है अल्लाह वेंकटपुरमुल वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो शानदार फिल्म है वो कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं और अगर हमें हिंदी के अंदर देखनी है तो कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है और इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कास्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे मतलब आपको फ़िल्म के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी जो है वो मिलने वाली है फिल्म दोस्तों वाकई ही बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और जो अल्लू अर्जुन है इनकी जो करियर है इनकी जो मूवीज़ है वो मूवीज़ में से एक बहुत ही बेहतरीन मूवी साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म का कारोबार भी काफ़ी बढ़िया रहा था काश इस मूवी को उस टाइम पर हिंदी के अंदर भी रिलीज़ कराया जाता तो शायद ये मूवी दोस्तों और कमाल कर देती तो अगर फ़िल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2020 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और यहाँ पर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिला था दोस्तों आपको बताया होगा कि 2020 के अंदर हमें लॉकडाउन भी देखने को मिला था लेकिन ये फिल्म उससे पहले रिलीज़ हो गई थी अगर लॉकडाउन के टाइम पे भी रिलीज़ होती तो शायद अल्लू अर्जुन का इतना क्रेज़ है कि मूवी ज़रूर हिट होती खैर ये मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्ट रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ है सौ पड़ते से किसे मिले हुए है रोटेन एन की तरफ से और सात पॉइंट तीन की रेटिंग इसे मिली है आईएमडीबी की तरफ से और इसे डायरेक्ट किया हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले दे चुके हैं जैसे कि अत्थाड़ू है गुंटूरू कारम और अरविंद सामथा वीरा राघवा कलेजा जुलाई ऐसी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने दे रखी है इनके दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो काफ़ी फेमस भी रही है जैसे कि सन ऑफ सत्यमूर्ति जो कि बहुत ही बढ़िया फिल्म रही थी अगर हम डबिंग की बात करें तो इस फिल्म की डबिंग भी काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि गोल्ड मैन ने कराई है जो गोल्ड मैन से इन्होंने ही इस फिल्म की डबिंग कराई हुई है तो डबिंग भी दोस्तों इस फिल्म की काफी शानदार हुई है और संकेत माधरे का ही वॉइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है फिल्म के कास्ट में आपको पूजा हैगड़े वैष्णवी चतनिया जयराम अल्लू अर्जुन नेवथा पैथुराज सुशांत अनुमोलू तब्बू मुरली शर्मा समुद्र करणी रोहिणी सचिन केडेकर नवदीप ऐश्वरी राव गोविंद हाइपर आदि सत्यराज, सुनील नसर वनला किशोर तनिकला भरानी कल्याणी एन राजेंद्र प्रसाद हर्षवर्धन राहुल रामा ब्रह्मा जी ऐसे आपको बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो आपको बिल्कुल भी दोस्त निराश नहीं होने देगा तो चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ही अवेलेबल नहीं है इसके लिए आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यानी कि जो गोल्ड मैंट्स का टी चैनल है वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएगी आप लोग टी पर इसे जो है वो देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको टी पर देखने को मिल जाएंगी आपको टी पर आसानी से ये फ़िल्म मिलेंगी और अक्सर जो गोल्ड माइंड से इनकी टी चैनल पर ये मूवी आती रहती है तो आप टी पर भी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये फिल्म जो है बनाई गई है और शुरू से लेकर एंड तक कि ये जो है आपको बांधे रखती है और इसमें ये जो है वो कामयाब रहती है इसे प्रोड्यूस किया था हारिका एंड हसीन क्रियसन ने इसके अलावा जो अलू अर्जुन के पिताजी है वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी रहे हैं मूवी के अंदर आपको थमन एस का कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है कहानी काफ़ी सिंपल रहती है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसका स्क्रीन प्ले सीनेटोग्राफी हो बहुत ही बढ़िया है शुरुआत के अंदर आपको ये दिखाया गया है कि जो मुरली शर्मा है इनका नाम वाल्मीकि फ़िल्म के अंदर होता है वो एक बहुत ही बड़ा जो रहीस ख़ानदान होता है वहाँ पर वो काम करता है जॉब की और मतलब उनकी जो मालकिन है वाल्मीकि की जो मालकिन तब्बू है यानी कि यशोदा है वो होती है प्रेग्नेंट और उसे हस्पताल लिया जाता है और सैम डे पर जो वाल्मीकि की जो पत्नी है वो वही अस्पताल के अंदर होती है अब दुर्भाग्य दुर्भाग्य से होता यूँ है कि दोनों को बेटा होता है लेकिन जो यशोदा को बेटा हुआ है वो थोड़ी देर आँख नहीं खुल रहा होता है और वाल्मीकि कंजूस आदमी होता है और उसकी आर्थिक परिस्थिति ख़राब होने की वजह से वो ऐसा सोचता है कि उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो लेकर ऊपर जाएगा वहाँ रख देगा और वो जो बच्चा आँख नहीं खुल रहा है उसे वो लेकर नीचे आ जाएगा और अपनी वाइफ के पास रख देगा जब उसकी पत्नी आँख खोलेंगी तो बता देगा कि हमारा बच्चा जो हुआ है वो आंख नहीं खोल रहा है हो सकता है कि इनकी मृत्यु हुई है मतलब ऐसी वो सोच रखता है और ये सब कुछ करते हुए एक नर्स देख लेती है लेकिन वो उसे धक्का मारता है और वो गिर जाती है फिर आता है दोस्तों कहानी के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट ये होता है कि कुछ समय बाद वही बच्चा आँख खोल देता है अब तो वाल्मीकि को भी शौक लगता है लेकिन वो कुछ कर तो नहीं सकता अब तो क्योंकि जो हो गया है वो तो हो गया है अब वही बच्चा जो बड़ा हो बड़ा होकर बंटू यानी कि अलोर्जुन होते हैं जो कि वाल्मीकि के साथ रहता है और जो वाल्मीकि का जो बच्चा होता है इनका नाम राज मनोहर है जो कि अब यशोदा के पास है और एक रही जिंदगी जी रहा होता है लेकिन वो बात तो दोस्तों है ही ना कि सच्चा एक दिन ज़रूर सामने आ ही जाती है भले ही आप कितना भी छुपा लो और ऐसा ही दोस्तों एक दिन हो ही जाता है जो बंटू है इसको सब कुछ मालूम पड़ ही जाता है कि दरअसल जो वाल्मीकि है वो मेरा असली पिता नहीं है असली पिता उसका रामचंद्रा है और उसकी असली माता यशोदा है लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना दोस्तों वो वाकई ही बहुत ही गजब का है एकदम परफेक्ट क्लाइमेक्स आप इसे कह सकते हैं फिल्म वाकई ही बहुत ही अच्छी बनाई गई है और ये भी आप ज़रूर जानिए कि जब उसे मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि उसका असली पिता नहीं है तो क्या क्या सीन यहाँ पर होते हैं और आपको यहाँ पर जो वैसने वी चतन हो भी देखने को मिलते हैं इस फिल्म के अंदर इनका भी दोस्तों काफ़ी अच्छा रोल फिल्म के अंदर है हालांकि वो बहुत सारे शो के अंदर भी आपको देखने को मिली होगी और काफ़ी सारे रील्स में भी वो काफ़ी पॉपुलर है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा आप कोई निराश नहीं करेंगी अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी आप इसे देख सकते हैं साउथ में दोस्तों वैसे तो बहुत सारी ज़बरदस्त मूवीज़ अवेलेबल है लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसे भी होती है जो कि हमारे दिल को छू लेती है और उसे हम लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं आज मैं आपको साउथ की ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है अल्लाह वेंकटपुरमुल वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो शानदार फिल्म है वो कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं और अगर हमें हिंदी के अंदर देखनी है तो कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है और इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कास्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे मतलब आपको फ़िल्म के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी जो है वो मिलने वाली है फिल्म दोस्तों वाकई ही बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और जो अल्लू अर्जुन है इनकी जो करियर है इनकी जो मूवीज़ है वो मूवीज में से एक बहुत ही बेहतरीन मूवी साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म का कारोबार भी काफ़ी बढ़िया रहा था काश इस मूवी को उस टाइम पर हिंदी के अंदर भी रिलीज़ कराया जाता तो शायद ये मूवी दोस्तों और कमाल कर देती तो अगर फ़िल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2020 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और यहाँ पर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिला था दोस्तों आपको बताया होगा कि 2020 के अंदर हमें लॉकडाउन भी देखने को मिला था लेकिन ये फिल्म उससे पहले रिलीज़ हो गई थी अगर लॉकडाउन के टाइम पे भी रिलीज़ होती तो शायद अल्लू अर्जुन का इतना क्रेज़ है कि मूवी ज़रूर हिट होती खैर ये मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्ट रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ है सौ पड़ते से किसे मिले हुए हैं रोटन टमाटोज की तरफ से और सात पॉइंट तीन की रेटिंग इसे मिली है आईएमडीबी की तरफ से और इसे डायरेक्ट किया हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले दे चुके हैं जैसे कि अत्थाड़ू है गुंटूरु कारम और अरविंद सामथा वीरा राघवा कलेजा जुलाए ऐसी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने दे रखी है इनके दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो काफ़ी फेमस भी रही है जैसे कि सन ऑफ सत्यमूर्ति जो कि बहुत ही बढ़िया फिल्म रही थी अगर हम डबिंग की बात करें तो इस फिल्म की डबिंग भी काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि गोल्ड मैन ने कराई है जो गोल्ड मैन से इन्होंने ही इस फिल्म की डबिंग कराई हुई है तो डबिंग भी दोस्तों इस फिल्म की काफ़ी शानदार हुई है और संकेत महाद्रे का ही वॉइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है फिल्म के कास्ट में आपको पूजा हैगड़े वैष्णवी चतनिया जयराम अल्लू अर्जुन निवथा पैथू सुशांत अनुमोलू तब्बू मुरली शर्मा करणी रोहिणी सचिन केडेकर नवदीप ऐश्वरी राव गोविंद हाइपर आदि सत्यराज नसर किशोर भरानी कल्याणी एन राजेंद्र प्रसाद हर्षवर्धन राहुल रामा ब्रह्मा जी ऐसे आपको बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो आपको बिल्कुल भी दोष निराश नहीं होने देगा तो चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ही अवेलेबल नहीं है इसके लिए आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी आप लोग टी पर इसे जो है वो देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको टीवी पर देखने को मिल जाएंगी आपको टीवी पर आसानी से ये फिल्म मिलेंगी और अक्सर जो गोल्ड माइंड से इनकी टीवी चैनल पर ये मूवी आती रहती है तो आप टीवी पर भी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये फिल्म जो है बनाई गई है और शुरू से लेकर एंड तक ये जो है आपको बांध रखती है और इसमें ये जो है वो कामयाब रहती है इसे प्रोड्यूस किया था हरिका एंड हसीन क्रियसन ने इसके अलावा जो अलू अर्जुन के पिताजी है वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी रहे हैं मूवी के अंदर आपको थमन एस का कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है कहानी काफ़ी सिंपल रहती है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसका स्क्रीन प्ले सिनेमामेटोग्राफी हो बहुत ही बढ़िया है शुरुआत के अंदर आपको ये दिखाया गया है कि जो मुरली शर्मा है इनका नाम वाल्मीकि फ़िल्म के अंदर होता है वो एक बहुत ही बड़ा जो रहीस ख़ानदान होता है वहाँ पर वो काम करता है जॉब की और मतलब उनकी जो मालकिन है वाल्मीकि की जो मालकिन तब्बू है यानी कि यशोदा है वो होती है प्रेग्नेंट और उसे हस्पताल लिया जाता है और सैम डे पर जो वाल्मीकि की जो पत्नी है वो वही अस्पताल के अंदर होती है अब दुर्भाग्य दुर्भाग्य से होता यूँ है कि दोनों को बेटा होता है लेकिन जो यशोदा को बेटा हुआ है वो थोड़ी देर आँख नहीं खुल रहा होता है और वाल्मीकि कंजूस आदमी होता है और उसकी आर्थिक परिस्थिति ख़राब होने की वजह से वो ऐसा सोचता है कि उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो लेकर ऊपर जाएगा वहाँ रख देगा और वो जो बच्चा आँख नहीं खुल रहा है उसे वो लेकर नीचे आ जाएगा और अपनी वाइफ के पास रख देगा जब उसकी पत्नी आँख खोलेंगी तो बता देगा कि हमारा बच्चा जो हुआ है वो आंख नहीं खोल रहा है हो सकता है कि इनकी मृत्यु हुई है मतलब ऐसी वो सोच रखता है और ये सब कुछ करते हुए एक नर्स देख लेती है लेकिन वो उसे धक्का मारता है और वो गिर जाती है फिर आता है दोस्तों कहानी के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट ये होता है कि कुछ समय बाद वही बच्चा आँख खोल देता है अब तो वाल्मीकि को भी शौक़ लगता है लेकिन वो कुछ कर तो नहीं सकता अब तो क्योंकि जो हो गया है वो तो हो गया है अब वही बच्चा जो बड़ा हो बड़ा होकर बंटू यानी कि आलोर्जन होते हैं जो कि वाल्मीकि के साथ रहता है और जो वाल्मीकि का जो बच्चा होता है इनका नाम राज मनोहर है जो कि अब यशोदा के पास है और एक रही जिंदगी जी रहा होता है लेकिन वो बात तो दोस्तों है ही ना कि सच्चा एक दिन ज़रूर सामने आ ही जाती है भले ही आप कितना भी छुपा लो और ऐसा ही दोस्तों एक दिन हो ही जाता है जो बंटू है इसको सब कुछ मालूम पड़ ही जाता है कि दरअसल जो वाल्मीकि है वो मेरा असली पिता नहीं है असली पिता उसका रामचंद्रा है और उसकी असली माता यशोदा है लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना दोस्तों वो वाकई ही बहुत ही गजब का है एकदम परफेक्ट क्लाइमेक्स आप इसे कह सकते हैं फिल्म वाकई ही बहुत ही अच्छी बनाई गई है और ये भी आप ज़रूर जानिए कि जब उसे मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि उसका असली पिता नहीं है तो क्या क्या सीन यहाँ पर होते हैं और आपको यहाँ पर जो व्यस्तें हुई चतने हो भी देखने को मिलते हैं इस फिल्म के अंदर इनका भी दोस्तों काफ़ी अच्छा रोल फिल्म के अंदर है हालांकि वो बहुत सारे शो के अंदर भी आपको देखने को मिली होगी और काफ़ी सारे रील्स में भी वो काफ़ी पॉपुलर है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा आपको ये निराश नहीं करेंगी अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी आप इसे देख सकते हैं साउथ में दोस्तों वैसे तो बहुत सारी ज़बरदस्त मूवीज़ अवेलेबल है लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती है जो कि हमारे दिल को छू लेती है और उसे हम लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं आज मैं आपको साउथ की ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है अल्लाह वेंकटपुरमुल वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो शानदार फिल्म है वो कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है क्या ये मूवी यूटूब पर है या फिर नहीं और अगर हमें हिंदी के अंदर देखनी है तो कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है और इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कास्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे मतलब आपको फ़िल्म के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी जो है वो मिलने वाली है फिल्म दोस्तों वाकई ही बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और जो अल्लू अर्जुन है इनकी जो करियर है इनकी जो मूवीज़ है वो मूवीज़ में से एक बहुत ही बेहतरीन मूवी साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म का कारोबार भी काफ़ी बढ़िया रहा था काश इस मूवी को उस टाइम पर हिंदी के अंदर भी रिलीज़ कराया जाता तो शायद ये मूवी दोस्तों और कमाल कर देती तो अगर फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2020 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और यहाँ पर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिला था दोस्तों आपको बताया होगा कि 2020 के अंदर हमें लॉकडाउन भी देखने को मिला था लेकिन ये फिल्म उससे पहले रिलीज़ हो गई थी अगर लॉकडाउन के टाइम पे भी रिलीज़ होती तो शायद अल्लू अर्जुन का इतना क्रेज़ है कि मूवी ज़रूर हिट होती खैर ये मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ है सौ पर्दे से किसे मिले हुए हैं रोटन टमाटोज की तरफ से और सात पॉइंट तीन की रेटिंग से मिली है आईएमडीबी की तरफ से और इसे डायरेक्ट किया हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले दे चुके हैं जैसे कि अतारू है गुंटूरू कारम और अरविंदा सामेथा वीरा राघवा कलेजा जुलाए ऐसी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने दे रखी है इनके दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो काफ़ी फेमस भी रही है जैसे कि सन ऑफ सत्यमूर्ति जो कि बहुत ही बढ़िया फिल्म रही थी अगर हम डबिंग की बात करें तो इस फिल्म की डबिंग भी काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि गोल्ड मैन कराई है जो गोल्ड मैन से इन्होंने ही इस फिल्म की डबिंग कराई हुई है तो डबिंग भी दोस्तों इस फिल्म की काफ़ी शानदार हुई है और संकेत माधरे का ही वॉइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है फिल्म के कास्ट में आपको पूजा हैगड़े वैष्णवी चतनिया जयराम अल्लू अर्जुन निवथा पैथू सुशांत अनुमोलू तब्बू मुरली शर्मा समुद्ध करणी रोहिणी सचिन केड़ेकर नवदीप ऐश्वरी राव गोविंद हाइपर आदि सत्यराज सुनील नसर वनला किशोर तनिकला भरानी कल्याणी एन राजेंद्र प्रसाद हर्षवर्धन राहुल रामाकृष्ण ब्रह्मा जी ऐसे आपको बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो आपको बिल्कुल भी दोस्त निराश नहीं होने देगा तो चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ही अवेलेबल नहीं है इसके लिए आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी आप लोग टीवी पर इसे जो है वो देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको टीवी पर देखने को मिल जाएंगी आपको टीवी पर आसानी से ये फ़िल्म मिलेंगी और अक्सर जो गोल्ड माइंड से इनकी टीवी चैनल पर ये मूवी आती रहती है तो आप टीवी पर भी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये फिल्म जो है बनाई गई है और शुरू से लेकर एंड तक कि ये जो है आपको बांधे रखती है और इसमें ये जो है वो कामयाब रहती है इसे प्रोड्यूस किया था हरिका एंड हसीन क्रियसन ने इसके अलावा जो अलू अर्जुन के पिताजी है वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी रहे हैं मूवी के अंदर आपको थमन एस का कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है कहानी काफ़ी सिंपल रहती है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसका स्क्रीन प्ले सिनेमामेटोग्राफी हो बहुत ही बढ़िया है शुरुआत के अंदर आपको ये दिखाया गया है कि जो मुरली शर्मा है इनका नाम वाल्मीकि फ़िल्म के अंदर होता है वो एक बहुत ही बड़ा जो रेज़ ख़ानदान होता है वहाँ पर वो काम करता है जॉब की और मतलब उनकी जो मालकिन है वाल्मीकि की जो मालकिन तब्बू है यानी कि यशोदा है वो होती है प्रेग्नेंट और उसे हस्पताल लिया जाता है और सैम डे पर जो वाल्मीकि की जो पत्नी है वो वही अस्पताल के अंदर होती है अब दुर्भाग्य दुर्भाग्य से होता यूँ है कि दोनों को बेटा होता है लेकिन जो यशोदा को बेटा हुआ है वो थोड़ी देर आँख नहीं खुल रहा होता है और वाल्मीकि कंजूस आदमी होता है और उसकी आर्थिक परिस्थिति ख़राब होने की वजह से वो ऐसा सोचता है कि उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो लेकर ऊपर जाएगा वहाँ रख देगा और वो जो बच्चा आँख नहीं खुल रहा है उसे वो लेकर नीचे आ जाएगा और अपनी वाइफ के पास रख देगा जब उसकी पत्नी आँख खोलेंगी तो बता देगा कि हमारा बच्चा जो हुआ है वो आंख नहीं खोल रहा है हो सकता है कि इनकी मृत्यु हुई है मतलब ऐसी वो सोच रखता है और ये सब कुछ करते हुए एक नर्स देख लेती है लेकिन वो उसे धक्का मारता है और वो गिर जाती है फिर आता है दोस्तों कहानी के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट ये होता है कि कुछ समय बाद वही बच्चा आँख खोल देता है अब तो वाल्मीकि को भी शौक लगता है लेकिन वो कुछ कर तो नहीं सकता क्योंकि तो जो हो गया है वो तो हो गया है अब वही बच्चा जो बड़ा हो बड़ा होकर बंटू यानी कि अलोअर्जन होते हैं जो कि वाल्मीकि के साथ रहता है और जो वाल्मीकि का जो बच्चा होता है इनका नाम राज मनोहर है जो कि अब यशोदा के पास है और एक रही जिंदगी जी रहा होता है लेकिन वो बात तो दोस्तों है ही ना कि सच्चा एक दिन ज़रूर सामने आ ही जाती है भले ही आप कितना भी छुपा लो और ऐसा ही दोस्तों एक दिन हो ही जाता है जो बंटू है इसको सब कुछ मालूम पड़ ही जाता है कि दरअसल जो वाल्मीकि है वो मेरा असली पिता नहीं है असली पिता उसका रामचंद्रा है और उसकी असली माता यशोदा है लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना दोस्तों वो वाकई ही बहुत ही गजब का है एकदम परफेक्ट क्लाइमेक्स आप इसे कह सकते हैं फिल्म वाकई ही बहुत ही अच्छी बनाई गई है और ये भी आप ज़रूर जानिए कि जब उसे मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि उसका असली पिता नहीं है तो क्या क्या सीन यहाँ पर होते हैं और आपको यहाँ पर जो व्यस्तें हुई हो भी देखने को मिलते हैं इस फिल्म के अंदर इनका भी दोस्तों काफ़ी अच्छा रोल फिल्म के अंदर है हालांकि वो बहुत सारे शो के अंदर भी आपको देखने को मिली होगी और काफ़ी सारे रील्स में भी वो काफ़ी पॉपुलर है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा आप कोई निराश नहीं करेंगी अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी आप इसे देख सकते हैं साउथ में दोस्तों वैसे तो बहुत सारी ज़बरदस्त मूवीज़ अवेलेबल है लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती है जो कि हमारे दिल को छू लेती है और उसे हम लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं आज मैं आपको साउथ की ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है अल्लाह वेंकटपुरमुल वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो शानदार फिल्म है वो कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं और अगर हमें हिंदी के अंदर देखनी है तो कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है और इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कास्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे मतलब आपको फ़िल्म के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी जो है वो मिलने वाली है फिल्म दोस्तों वाकई ही बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और जो अल्लू अर्जुन है इनकी जो करियर है इनकी जो मूवीज़ है वो मूवीज़ में से एक बहुत ही बेहतरीन मूवी साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म का कारोबार भी काफ़ी बढ़िया रहा था काश इस मूवी को उस टाइम पर हिंदी के अंदर भी रिलीज़ कराया जाता तो शायद ये मूवी दोस्तों और कमाल कर देती तो अगर फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2020 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और यहाँ पर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिला था दोस्तों आपको पता होगा कि 2020 के अंदर हमें लॉकडाउन भी देखने को मिला था लेकिन ये फिल्म उससे पहले रिलीज़ हो गई थी अगर लॉकडाउन के टाइम पे भी रिलीज़ होती तो शायद अल्लू अर्जुन का इतना क्रेज़ है कि मूवी ज़रूर हिट होती खैर ये मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ है सौ पड़ते से किसी मिले हुए हैं रोट एन की तरफ से और सात पॉइंट तीन की रेटिंग से मिली है आईएमडीबी की तरफ से और इसे डायरेक्ट किया हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले दे चुके हैं जैसे कि अत्थाड़ू है गुंटूरु कारम और अरविंद सामथा वीरा राघवा कलेजा जुलाए ऐसी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने दे रखी है इनके दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो काफ़ी फेमस भी रही है जैसे कि सन ऑफ सत्यमूर्ति जो कि बहुत ही बढ़िया फिल्म रही थी अगर हम डबिंग की बात करें तो इस फिल्म की डबिंग भी काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि गोल्ड मैन ने कराई है जो गोल्ड मैन से इन्होंने इस फिल्म की डबिंग कराई हुई है तो डबिंग भी दोस्तों इस फिल्म की काफ़ी शानदार हुई है और संकेत माधरे का ही वॉइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है फिल्म के कास्ट में आपको पूजा हैगड़े वैष्णवी चतनिया जयराम अल्लू अर्जुन नेवथा पैथुराज सुशांत अनुमोलू तब्बू मुरली शर्मा समुद्र करणी रोहिणी सचिन केडेकर नवदीप ऐश्वरीय राव गोविंद हाइपर आदि सत्यराज नसर वनला किशोर तनिकला भरानी कल्याणी एन राजेंद्र प्रसाद हर्षवर्धन राहुल रामा ब्रह्मा जी ऐसे आपको बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो आपको बिल्कुल भी दोस्त निराश नहीं होने देगा तो चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ही अवेलेबल नहीं है इसके लिए आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी आप लोग टी पर इसे जो है वो देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको टी पर देखने को मिल जाएंगी आपको टी पर आसानी से ये फ़िल्म मिलेंगी और अक्सर जो गोल्ड माइंड से इनकी टीवी चैनल पर ये मूवी आती रहती है तो आप टीवी पर भी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये फिल्म जो है बनाई गई है और शुरू से लेकर एंड तक ये जो है आपको बांधे रखती है और इसमें ये जो है वो कामयाब रहती है इसे प्रोड्यूस किया था हारिका एंड हसीन क्रियसन ने इसके अलावा जो अलू अर्जुन के पिताजी है वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी रहे हैं मूवी के अंदर आपको थमन एस का कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है कहानी काफ़ी सिंपल रहती है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसका स्क्रीन प्ले सिनेटोग्राफी हो बहुत ही बढ़िया है शुरुआत के अंदर आपको ये दिखाया गया है कि जो मुरली शर्मा है इनका नाम वाल्मीकि फ़िल्म के अंदर होता है वो एक बहुत ही बड़ा जो रहीस ख़ानदान होता है वहाँ पर वो काम करता है जॉब की और मतलब उनकी जो मालकिन है वाल्मीकि की जो मालकिन तब्बू है यानी कि यशोदा है वो होती है प्रेग्नेंट और उसे हस्पताल लिया जाता है और सैम डे पर जो वाल्मीकि की जो पत्नी है वो वही अस्पताल के अंदर होती है अब दुर्भाग्य दुर्भाग्य से होता यूँ है कि दोनों को बेटा होता है लेकिन जो यशोदा को बेटा हुआ है वो थोड़ी देर आँख नहीं खुल रहा होता है और वाल्मीकि कंजूस आदमी होता है और उसकी आर्थिक परिस्थिति ख़राब होने की वजह से वो ऐसा सोचता है कि उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो लेकर ऊपर जाएगा वहाँ रख देगा और वो जो बच्चा आँख नहीं खुल रहा है उसे वो लेकर नीचे आ जाएगा और अपनी वाइफ के पास रख देगा जब उसकी पत्नी आँख खोलेंगी तो बता देगा कि हमारा बच्चा जो हुआ है वो आंख नहीं खोल रहा है हो सकता है कि इनकी मृत्यु हुई है मतलब ऐसी वो सोच रखता है और ये सब कुछ करते हुए एक नर्स देख लेती है लेकिन वो उसे धक्का मारता है और वो गिर जाती है फिर आता है दोस्तों कहानी के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट ये होता है कि कुछ समय बाद वही बच्चा आँख खोल देता है अब तो वाल्मीकि को भी शौक लगता है लेकिन वो कुछ कर तो नहीं सकता अब तो क्योंकि जो हो गया है वो तो हो गया है अब वही बच्चा जो बड़ा हो बड़ा होकर बंटू यानी कि अलोअर्जन होते हैं जो कि वाल्मीकि के साथ रहता है और जो वाल्मीकि का जो बच्चा होता है इनका नाम राज मनोहर है जो कि अब यशोदा के पास है और एक रही जिंदगी जी रहा होता है लेकिन वो बात तो दोस्तों है ही ना कि सच्चा एक दिन ज़रूर सामने आ ही जाती है भले ही आप कितना भी छुपा लो और ऐसा ही दोस्तों एक दिन हो ही जाता है जो बंटू है इसको सब कुछ मालूम पड़ ही जाता है कि दरअसल जो वाल्मीकि है वो मेरा असली पिता नहीं है असली पिता उसका रामचंद्रा है और उसकी असली माता यशोदा है लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना दोस्तों वो वाकई ही बहुत ही गजब का है एकदम परफेक्ट क्लाइमेक्स आप इसे कह सकते हैं फिल्म वाकई ही बहुत ही अच्छी बनाई गई है और ये भी आप ज़रूर जानिए कि जब उसे मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि उसका असली पिता नहीं है तो क्या क्या सीन यहाँ पर होते हैं और आपको यहाँ पर जो व्यस्तें भी चुतने वो भी देखने को मिलते हैं इस फिल्म के अंदर इनका भी दोस्तों काफ़ी अच्छा रोल फिल्म के अंदर है हालांकि वो बहुत सारे शो के अंदर भी आपको देखने को मिली होगी और काफ़ी सारे रील्स में भी वो काफ़ी पॉपुलर है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा आप कोई निराश नहीं करेंगी अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी आप इसे देख सकते हैं साउथ में दोस्तों वैसे तो बहुत सारी ज़बरदस्त मूवीज़ अवेलेबल है लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती है जो कि हमारे दिल को छू लेती है और उसे हम लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं आज मैं आपको साउथ की ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है अल्लाह वेंकटपुरमुल वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो शानदार फिल्म है वो कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं और अगर हमें हिंदी के अंदर देखनी है तो कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है और इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कास्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे मतलब आपको फ़िल्म के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी जो है वो मिलने वाली है फिल्म दोस्तों वाकई ही बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और जो अल्लू अर्जुन है इनकी जो करियर है इनकी जो मूवीज़ है वो मूवीज़ में से एक बहुत ही बेहतरीन मूवी साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म का कारोबार भी काफ़ी बढ़िया रहा था काश इस मूवी को उस टाइम पर हिंदी के अंदर भी रिलीज़ कराया जाता तो शायद ये मूवी दोस्तों और कमाल कर देती तो अगर फ़िल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2020 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और यहाँ पर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिला था दोस्तों आपको पता होगा कि 2020 के अंदर हमें लॉकडाउन भी देखने को मिला था लेकिन ये फिल्म उससे पहले रिलीज़ हो गई थी अगर लॉकडाउन के टाइम पे भी रिलीज़ होती तो शायद अल्लू अर्जुन का इतना क्रेज़ है कि मूवी ज़रूर हिट होती खैर ये मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ है सौ पड़ते से किसी मिले हुए हैं रोट एन की तरफ से और सात पॉइंट तीन की रेटिंग इसे मिली है आईएमडीबी की तरफ से और इसे डायरेक्ट किया हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले दे चुके हैं जैसे कि अथाड़ू है गुंटूरू कारम और अरविंदा सामथा वीरा राघवा कलेजा जुलाए ऐसी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने दे रखी है इनके दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो काफ़ी फेमस भी रही है जैसे कि सन ऑफ सत्यमूर्ति जो कि बहुत ही बढ़िया फिल्म रही थी अगर हम डबिंग की बात करें तो इस फिल्म की डबिंग भी काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि गोल्ड मैन ने कराई है जो गोल्ड मैन से इन्होंने ही इस फिल्म की डबिंग कराई हुई है तो डबिंग भी दोस्तों इस फिल्म की काफी शानदार हुई है और संकेत माधरे का ही वॉइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है फिल्म के कास्ट में आपको पूजा हैगड़े वैष्णवी चतनिया जयराम अल्लू अर्जुन नेवथा पैथुराज सुशांत अनुमोलू तब्बू मुरली शर्मा समुद्र करणी रोहिणी सचिन केडेकर नवदीप ऐश्वरी राव गोविंद हाइपर आदि सत्यराज नसर किशोर भरानी कल्याणी एन राजेंद्र प्रसाद हर्षवर्धन राहुल रामा ब्रह्मा जी ऐसे आपको बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो आपको बिल्कुल भी दोस्त निराश नहीं होने देगा तो चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ही अवेलेबल नहीं है इसके लिए आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी आप लोग टी पर इसे जो है वो देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको टी पर देखने को मिल जाएंगी आपको टी पर आसानी से ये फ़िल्म मिलेंगी और अक्सर जो गोल्ड माइंड से इनकी टी चैनल पर ये मूवी आती रहती है तो आप टी पर भी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये फिल्म जो है बनाई गई है और शुरू से लेकर एंड तक ये जो है आपको बांधे रखती है और इसमें ये जो है वो कामयाब रहती है इसे प्रोड्यूस किया था हारिका एंड हसीन क्रियसन ने इसके अलावा जो अलू अर्जुन के पिताजी है वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी रहे हैं मूवी के अंदर आपको थमन एस का कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है कहानी काफ़ी सिंपल रहती है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसका स्क्रीन प्ले सिनेमामेटोग्राफी हो बहुत ही बढ़िया है शुरुआत के अंदर आपको ये दिखाया गया है कि जो मुरली शर्मा है इनका नाम वाल्मीकि फ़िल्म के अंदर होता है वो एक बहुत ही बड़ा जो रेज ख़ानदान होता है वहाँ पर वो काम करता है जॉब की और मतलब उनकी जो मालकिन है वाल्मीकि की जो मालकिन तब्बू है यानी कि यशोदा है वो होती है प्रेग्नेंट और उसे हस्पताल लिया जाता है और सैम डे पर जो वाल्मीकि की जो पत्नी है वो वही अस्पताल के अंदर होती है अब दुर्भाग्य दुर्भाग्य से होता यूँ है कि दोनों को बेटा होता है लेकिन जो यशोदा को बेटा हुआ है वो थोड़ी देर आँख नहीं खुल रहा होता है और वाल्मीकि कंजूस आदमी होता है और उसकी आर्थिक परिस्थिति ख़राब होने की वजह से वो ऐसा सोचता है कि उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो लेकर ऊपर जाएगा वहाँ रख देगा और वो जो बच्चा आँख नहीं खुल रहा है उसे वो लेकर नीचे आ जाएगा और अपनी वाइफ के पास रख देगा जब उसकी पत्नी आँख खोलेंगी तो बता देगा कि हमारा बच्चा जो हुआ है वो आंख नहीं खुल रहा है हो सकता है कि इनकी मृत्यु हुई है मतलब ऐसी वो सोच रखता है और ये सब कुछ करते हुए एक नर्स देख लेते हैं लेकिन वो उसे धक्का मारता है और वो गिर जाती है फिर आता है दोस्तों कहानी के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट ये होता है कि कुछ समय बाद वही बच्चा आँख खोल देता है अब तो वाल्मीकि को भी शौक़ लगता है लेकिन वो कुछ कर तो नहीं सकता अब तो क्योंकि जो हो गया है वो तो हो गया है अब वही बच्चा जो बड़ा हो बड़ा होकर बंटू यानी कि अलोअर्जन होते हैं जो कि वाल्मीकि के साथ रहता है और जो वाल्मीकि का जो बच्चा होता है इनका नाम राज मनोहर है जो कि अब यशोदा के पास है और एक रही जिंदगी जी रहा होता है लेकिन वो बात तो दोस्तों है ना कि सच्चा एक दिन ज़रूर सामने आ ही जाती है भले ही आप कितना भी छुपा लो और ऐसा ही दोस्तों एक दिन हो ही जाता है जो बंटू है इसको सब कुछ मालूम पड़ ही जाता है कि दरअसल जो वाल्मीकि है वो मेरा असली पिता नहीं है असली पिता उसका रामचंद्रा है और उसकी असली माता यशोदा है लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना दोस्तों वो वाकई ही बहुत ही गजब का है एकदम परफेक्ट क्लाइमेक्स आप इसे कह सकते हैं फिल्म वाकई ही बहुत ही अच्छी बनाई गई है और ये भी आप ज़रूर जानिए कि जब उसे मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि उसका असली पिता नहीं है तो क्या क्या सीन यहाँ पर होते हैं और आपको यहाँ पर जो व्यस्तें भी चुतने वो भी देखने को मिलते हैं इस फिल्म के अंदर इनका भी दोस्तों काफ़ी अच्छा रोल फिल्म के अंदर है हालांकि वो बहुत सारे शो के अंदर भी आपको देखने को मिली होगी और काफ़ी सारे रील्स में भी वो काफ़ी पॉपुलर है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा आप कोई निराश नहीं करेंगी अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी आप इसे देख सकते हैं साउथ में दोस्तों वैसे तो बहुत सारी ज़बरदस्त मूवीज़ अवेलेबल है लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसे भी होती है जो कि हमारे दिल को छू लेती है और उसे हम लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं आज मैं आपको साउथ की ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है अल्लाह वेंकटपुरमुल वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो शानदार फिल्म है वो कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं और अगर हमें हिंदी के अंदर देखनी है तो कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है और इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कास्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे मतलब आपको फ़िल्म के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी जो है वो मिलने वाली है फिल्म दोस्तों वाकई ही बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और जो अल्लू अर्जुन है इनकी जो करियर है इनकी जो मूवीज़ है वो मूवीज़ में से एक बहुत ही बेहतरीन मूवी साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म का कारोबार भी काफ़ी बढ़िया रहा था काश इस मूवी को उस टाइम पर हिंदी के अंदर भी रिलीज़ कराया जाता तो शायद ये मूवी दोस्तों और कमाल कर देती तो अगर फ़िल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2020 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और यहाँ पर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिला था दोस्तों आपको बताया होगा कि 2020 के अंदर हमें लॉकडाउन भी देखने को मिला था लेकिन ये फिल्म उससे पहले रिलीज़ हो गई थी अगर लॉकडाउन के टाइम पे भी रिलीज़ होती तो शायद अल्लू अर्जुन का इतना क्रेज़ है कि मूवी ज़रूर हिट होती खैर ये मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्ट रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ है सौ पड़ते से किसे मिले हुए हैं रोट एन की तरफ से और सात पॉइंट तीन की रेटिंग इसे मिली है आईएमडीबी की तरफ से और इसे डायरेक्ट किया हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले दे चुके हैं जैसे कि अत्थाड़ू है गुंटूरू कारम और अरविंदा सामथा वीरा राघवा कलेजा जुलाई ऐसी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने दे रखी है इनके दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो काफ़ी फेमस भी रही है जैसे कि सन ऑफ सत्यमूर्ति जो कि बहुत ही बढ़िया फिल्म रही थी अगर हम डबिंग की बात करें तो इस फिल्म की डबिंग भी काफी अच्छी कराई गई है जो कि गोल्ड मैन ने कराई है जो गोल्ड मैन से इन्होंने ही इस फिल्म की डबिंग कराई हुई है तो डबिंग भी दोस्तों इस फिल्म की काफी शानदार हुई है और संकेत महाद्रे का ही वॉइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है फिल्म के कास्ट में आपको पूजा हैगड़े वैष्णवी चतनिया जया अल्लू अर्जुन निवथा पैथुराज सुशांत अनुमोलू तब्बू मुरली शर्मा समुद्र करणी रोहिणी सचिन केडेकर नवदीप ऐश्वरीय राव गोविंद हाइपर आदि सत्यराज सुनील नसर वनला किशोर तनिकला भरानी कल्याणी एन राजेंद्र प्रसाद हर्षवर्धन राहुल रामा ब्रह्मा जी ऐसे आपको बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो आपको बिल्कुल भी दोस्त निराश नहीं होने देगा तो चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ही अवेलेबल नहीं है इसके लिए आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी आप लोग टी पर इसे जो है वो देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको टी पर देखने को मिल जाएंगी आपको टी पर आसानी से ये फ़िल्म मिलेंगी और अक्सर जो गोल्ड माइंड से इनकी टी चैनल पर ये मूवी आती रहती है तो आप टी पर भी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये फिल्म जो है बनाई गई है और शुरू से लेकर एंड तक ये जो है आपको बांधे रखती है और इसमें ये जो है वो कामयाब रहती है इसे प्रोड्यूस किया था हारिका एंड हसीन क्रियसन ने इसके अलावा जो अलू अर्जुन के पिताजी है वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी रहे हैं मूवी के अंदर आपको थमन एस का कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है कहानी काफ़ी सिंपल रहती है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसका स्क्रीन प्ले सिनेटोग्राफी हो बहुत ही बढ़िया है शुरुआत के अंदर आपको ये दिखाया गया है कि जो मुरली शर्मा है इनका नाम वाल्मीकि फ़िल्म के अंदर होता है वो एक बहुत ही बड़ा जो रहीस ख़ानदान होता है वहाँ पर वो काम करता है जॉब की और मतलब उनकी जो मालकिन है वाल्मीकि की जो मालकिन तब्बू है यानी कि यशोदा है वो होती है प्रेग्नेंट और उसे हस्पताल लिया जाता है और सैम डे पर जो वाल्मीकि की जो पत्नी है वो वही अस्पताल के अंदर होती है अब दुर्भाग्य दुर्भाग्य से होता यूँ है कि दोनों को बेटा होता है लेकिन जो यशोदा को बेटा हुआ है वो थोड़ी देर आँख नहीं खुल रहा होता है और वाल्मीकि कंजूस आदमी होता है और उसकी आर्थिक परिस्थिति ख़राब होने की वजह से वो ऐसा सोचता है कि उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो लेकर ऊपर जाएगा वहाँ रख देगा और वो जो बच्चा आँख नहीं खुल रहा है उसे वो लेकर नीचे आ जाएगा और अपनी वाइफ के पास रख देगा जब उसकी पत्नी आँख खोलेंगी तो बता देगा कि हमारा बच्चा जो हुआ है वो आंख नहीं खोल रहा है हो सकता है कि इनकी मृत्यु हुई है मतलब ऐसी वो सोच रखता है और ये सब कुछ करते हुए एक नर्स देख लेती है लेकिन वो उसे धक्का मारता है और वो गिर जाती है फिर आता है दोस्तों कहानी के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट ये होता है कि कुछ समय बाद वही बच्चा आँख खोल देता है अब तो वाल्मीकि को भी शौक लगता है लेकिन वो कुछ कर तो नहीं सकता अब क्योंकि जो हो गया है वो तो हो गया है अब वही बच्चा जो बड़ा हो बड़ा होकर बंटू यानी कि अलोर्जुन होते हैं जो कि वाल्मीकि के साथ रहता है और जो वाल्मीकि का जो बच्चा होता है इनका नाम राज मनोहर है जो कि अब यशोदा के पास है और एक रही जिंदगी जी रहा होता है लेकिन वो बात तो दोस्तों है ही ना कि सच्चा एक दिन ज़रूर सामने आ ही जाती है भले ही आप कितना भी छुपा लो और ऐसा ही दोस्तों एक दिन हो ही जाता है जो बंटू है इसको सब कुछ मालूम पड़ ही जाता है कि दरअसल जो वाल्मीकि है वो मेरा असली पिता नहीं है असली पिता उसका रामचंद्रा है और उसकी असली माता यशोदा है लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना दोस्तों वो वाकई ही बहुत ही गजब का है एकदम परफेक्ट क्लाइमेक्स आप इसे कह सकते हैं फिल्म वाकई ही बहुत ही अच्छी बनाई गई है और ये भी आप ज़रूर जानिए कि जब उसे मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि उसका असली पिता नहीं है तो क्या क्या सीन यहाँ पर होते हैं और आपको यहाँ पर जो व्यस्त भी हो भी देखने को मिलते हैं इस फिल्म के अंदर इनका भी दोस्तों काफ़ी अच्छा रोल फिल्म के अंदर है हालांकि वो बहुत सारे शो के अंदर भी आपको देखने को मिली होगी और काफ़ी सारे रील्स में भी वो काफ़ी पॉपुलर है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा आप कोई निराश नहीं करेंगे अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी आप इसे देख सकते हैं साउथ में दोस्तों वैसे तो बहुत सारी ज़बरदस्त मूवीज़ अवेलेबल है लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसे भी होती है जो कि हमारे दिल को छू लेती है और उसे हम लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं आज मैं आपको साउथ की ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है अल्लाह वेंकटपुरमुल वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो शानदार फिल्म है वो कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं और अगर हमें हिंदी के अंदर देखनी है तो कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है और इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कास्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे मतलब आपको फ़िल्म के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी जो है वो मिलने वाली है फिल्म दोस्तों वाकई ही बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और जो अल्लू अर्जुन है इनकी जो करियर है इनकी जो मूवीज़ है वो मूवीज़ में से एक बहुत ही बेहतरीन मूवी साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म का कारोबार भी काफ़ी बढ़िया रहा था काश इस मूवी को उस टाइम पर हिंदी के अंदर भी रिलीज़ कराया जाता तो शायद ये मूवी दोस्तों और कमाल कर देती तो अगर फ़िल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2020 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और यहाँ पर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिला था दोस्तों आपको बताया होगा कि 2020 के अंदर हमें लॉकडाउन भी देखने को मिला था लेकिन ये फिल्म उससे पहले रिलीज़ हो गई थी अगर लॉकडाउन के टाइम पे भी रिलीज़ होती तो शायद अल्लू अर्जुन का इतना क्रेज़ है कि मूवी ज़रूर हिट होती खैर ये मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्ट रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ है सौ पड़ते से किसे मिले हुए है रोटेन एन टमाटोज की तरफ से और सात पॉइंट तीन की रेटिंग इसे मिली है आईएमडीबी की तरफ से और इसे डायरेक्ट किया हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले दे चुके हैं जैसे कि अत्थाड़ू है गुंटूर कारम और अरविंद सामथा वीरा राघवा कलेजा जुलाए ऐसी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने दे रखी है इनके दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो काफ़ी फेमस भी रही है जैसे कि सन ऑफ सत्यमूर्ति जो कि बहुत ही बढ़िया फिल्म रही थी अगर हम डबिंग की बात करें तो इस फिल्म की डबिंग भी काफी अच्छी कराई गई है जो कि गोल्ड मैन ने कराई है जो गोल्ड मैन से इन्होंने ही इस फिल्म की डबिंग कराई हुई है तो डबिंग भी दोस्तों इस फिल्म की काफी शानदार हुई है और संकेत महाद्रे का ही वॉइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है फिल्म के कास्ट में आपको पूजा हैगड़े वैष्णवी चतनिया जया अल्लू अर्जुन निवथा पैथुराज सुशांत अनुमोलू तब्बू मुरली शर्मा समुद्र करणी रोहिणी सचिन केडेकर नवदीप ऐश्वरी राव गोविंद हाइपर आदि सत्यराज सुनील नसर वनला किशोर तनिकला भरानी कल्याणी एन राजेंद्र प्रसाद हर्षवर्धन राहुल रामा ब्रह्मा जी ऐसे आपको बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो आपको बिल्कुल भी दोस्त निराश नहीं होने देगा तो चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ही अवेलेबल नहीं है इसके लिए आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएगी आप लोग टी पर इसे जो है वो देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको टीवी पर देखने को मिल जाएंगी आपको टीवी पर आसानी से ये फ़िल्म मिलेंगी और अक्सर जो गोल्ड माइंड से इनकी टी चैनल पर ये मूवी आती रहती है तो आप टी पर भी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये फिल्म जो है बनाई गई है और शुरू से लेकर एंड तक ये जो है आपको बांधे रखती है और इसमें ये जो है वो कामयाब रहती है इसे प्रोड्यूस किया था हारिका एंड हसीन क्रियसन ने इसके अलावा जो अलू अर्जुन के पिताजी है वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी रहे हैं मूवी के अंदर आपको थमन एस का कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है कहानी काफ़ी सिंपल रहती है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसका स्क्रीन प्ले सीनेटोग्राफी हो बहुत ही बढ़िया है शुरुआत के अंदर आपको ये दिखाया गया है कि जो मुरली शर्मा है इनका नाम वाल्मीकि फ़िल्म के अंदर होता है वो एक बहुत ही बड़ा जो रेज ख़ानदान होता है वहाँ पर वो काम करता है जॉब की और मतलब उनकी जो मालकिन है वाल्मीकि की जो मालकिन तब्बू है यानी कि यशोदा है वो होती है प्रेग्नेंट और उसे हस्पताल लिया जाता है और सैम डे पर जो वाल्मीकि की जो पत्नी है वो वही अस्पताल के अंदर होती है अब दुर्भाग्य दुर्भाग्य से होता यूँ है कि दोनों को बेटा होता है लेकिन जो यशोदा को बेटा हुआ है वो थोड़ी देर आँख नहीं खुल रहा होता है और वाल्मीकि कंजूस आदमी होता है और उसकी आर्थिक परिस्थिति ख़राब होने की वजह से वो ऐसा सोचता है कि उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो लेकर ऊपर जाएगा वहाँ रख देगा और वो जो बच्चा आँख नहीं खुल रहा है उसे वो लेकर नीचे आ जाएगा और अपनी वाइफ के पास रख देगा जब उसकी पत्नी आँख खोलेंगी तो बता देगा कि हमारा बच्चा जो हुआ है वो आंख नहीं खोल रहा है हो सकता है कि इनकी मृत्यु हुई है मतलब ऐसी वो सोच रखता है और ये सब कुछ करते हुए एक नर्स देख लेती है लेकिन वो उसे धक्का मारता है और वो गिर जाती है फिर आता है दोस्तों कहानी के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट ये होता है कि कुछ समय बाद वही बच्चा आँख खोल देता है अब तो वाल्मीकि को भी शौक लगता है लेकिन वो कुछ कर तो नहीं सकता अब क्योंकि जो हो गया है वो तो हो गया है अब वही बच्चा जो बड़ा हो बड़ा होकर बंटू यानी कि अलोर्जुन होते हैं जो कि वाल्मीकि के साथ रहता है और जो वाल्मीकि का जो बच्चा होता है इनका नाम राज मनोहर है जो कि अब यशोदा के पास है और एक रही जिंदगी जी रहा होता है लेकिन वो बात तो दोस्तों है ही ना कि सच्चा एक दिन ज़रूर सामने आ ही जाती है भले ही आप कितना भी छुपा लो और ऐसा ही दोस्तों एक दिन हो ही जाता है जो बंटू है इसको सब कुछ मालूम पड़ ही जाता है कि दरअसल जो वाल्मीकि है वो मेरा असली पिता नहीं है असली पिता उसका रामचंद्रा है और उसकी असली माता यशोदा है लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना दोस्तों वो वाकई बहुत ही गजब का है एकदम परफेक्ट क्लाइमेक्स आप इसे कह सकते हैं फिल्म वाकई बहुत ही अच्छी बनाई गई है और ये भी आप ज़रूर जानिए कि जब उसे मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि उसका असली पिता नहीं है तो क्या क्या सीन यहाँ पर होते हैं और आपको यहाँ पर जो व्यस्त हो भी चतनी देखने को मिलते हैं इस फिल्म के अंदर इनका भी दोस्तों काफ़ी अच्छा रोल फिल्म के अंदर है हालांकि वो बहुत सारे शो के अंदर भी आपको देखने को मिली होगी और काफ़ी सारे रील्स में भी वो काफ़ी पॉपुलर है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा आप कोई निराश नहीं करेंगी अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी आप इसे देख सकते हैं साउथ में दोस्तों वैसे तो बहुत सारी ज़बरदस्त मूवीज़ अवेलेबल है लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती है जो कि हमारे दिल को छू लेती है और उसे हम लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं आज मैं आपको साउथ की ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है अल्लाह वेंकटपुरमुल वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो शानदार फिल्म है वो कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है क्या ये मूवी यूटूब पर है या फिर नहीं और अगर हमें हिंदी के अंदर देखनी है तो कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है और इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कास्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे मतलब आपको फ़िल्म के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी जो है वो मिलने वाली है फिल्म दोस्तों वाकई ही बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और जो अल्लू अर्जुन है इनकी जो करियर है इनकी जो मूवीज़ है वो मूवीज़ में से एक बहुत ही बेहतरीन मूवी साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म का कारोबार भी काफ़ी बढ़िया रहा था काश इस मूवी को उस टाइम पर हिंदी के अंदर भी रिलीज़ कराया जाता तो शायद ये मूवी दोस्तों और कमाल कर देती तो अगर फ़िल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2020 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और यहाँ पर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिला था दोस्तों आपको बताया होगा कि 2020 के अंदर हमें लॉकडाउन भी देखने को मिला था लेकिन ये फिल्म उससे पहले रिलीज़ हो गई थी अगर लॉकडाउन के टाइम पे भी रिलीज़ होती तो शायद अल्लू अर्जुन का इतना क्रेज़ है कि मूवी ज़रूर हिट होती खैर ये मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्ट रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ है सौ पड़ते से किसे मिले हुए हैं रोटन टमाटोज की तरफ से और सात पॉइंट तीन की रेटिंग इसे मिली है आईएमडीबी की तरफ से और इसे डायरेक्ट किया हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले दे चुके हैं जैसे कि अत्थाड़ू है गुंटूरू कारम और अरविंदा सामथा वीरा राघवा कलेजा जुलाए ऐसी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने दे रखी है इनके दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो काफ़ी फेमस भी रही है जैसे कि सन ऑफ सत्यमूर्ति जो कि बहुत ही बढ़िया फिल्म रही थी अगर हम डबिंग की बात करें तो इस फिल्म की डबिंग भी काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि गोल्ड मैन ने कराई है जो गोल्ड मैन से इन्होंने ही इस फिल्म की डबिंग कराई हुई है तो डबिंग भी दोस्तों इस फिल्म की काफ़ी शानदार हुई है और संकेत माधरे का ही वॉइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है फिल्म के कास्ट में आपको पूजा हैगड़े वैष्णवी चतनिया जयराम अल्लू अर्जुन निवथा पैथू सुशांत अनुमोलू तब्बू मुरली शर्मा समुद्र करणी रोहिणी सचिन केडेकर नवदीप ऐश्वरी राव गोविंद हाइपर आदि सत्यराज, सुनील नसर, वनला किशोर तनिकला भरानी कल्याणी एन राजेंद्र प्रसाद हर्षवर्धन राहुल रामा ब्रह्मा जी ऐसे आपको बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो आपको बिल्कुल भी दोस्त निराश नहीं होने देगा तो चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ही अवेलेबल नहीं है इसके लिए आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी आप लोग टी पर इसे जो है वो देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको टीवी पर देखने को मिल जाएंगी आपको टीवी पर आसानी से ये फ़िल्म मिलेंगी और अक्सर जो गोल्ड माइंड से इनकी टीवी चैनल पर ये मूवी आती रहती है तो आप टीवी पर भी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये फिल्म जो है बनाई गई है और शुरू से लेकर एंड तक ये जो है आपको बांध रखती है और इसमें ये जो है वो कामयाब रहती है इसे प्रोड्यूस किया था हारिका एंड हसीन क्रियसन ने इसके अलावा जो अलू अर्जुन के पिताजी है वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी रहे हैं मूवी के अंदर आपको थमन एस का कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है कहानी काफ़ी सिंपल रहती है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसका स्क्रीन प्ले सिनेमामेटोग्राफी हो बहुत ही बढ़िया है शुरुआत के अंदर आपको ये दिखाया गया है कि जो मुरली शर्मा है इनका नाम वाल्मीकि फ़िल्म के अंदर होता है वो एक बहुत ही बड़ा जो रहीस ख़ानदान होता है वहाँ पर वो काम करता है जॉब की और मतलब उनकी जो मालकिन है वाल्मीकि की जो मालकिन तब्बू है यानी कि यशोदा है वो होती है प्रेग्नेंट और उसे हस्पताल लिया जाता है और सैम डे पर जो वाल्मीकि की जो पत्नी है वो वही अस्पताल के अंदर होती है अब दुर्भाग्य दुर्भाग्य से होता यूँ है कि दोनों को बेटा होता है लेकिन जो यशोदा को बेटा हुआ है वो थोड़ी देर आँख नहीं खुल रहा होता है और वाल्मीकि कंजूस आदमी होता है और उसकी आर्थिक परिस्थिति ख़राब होने की वजह से वो ऐसा सोचता है कि उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो लेकर ऊपर जाएगा वहाँ रख देगा और वो जो बच्चा आँख नहीं खुल रहा है उसे वो लेकर नीचे आ जाएगा और अपनी वाइफ के पास रख देगा जब उसकी पत्नी आँख खोलेंगी तो बता देगा कि हमारा बच्चा जो हुआ है वो आंख नहीं खोल रहा है हो सकता है कि इनकी मृत्यु हुई है मतलब ऐसी वो सोच रखता है और ये सब कुछ करते हुए एक नर्स देख लेती है लेकिन वो उसे धक्का मारता है और वो गिर जाती है फिर आता है दोस्तों कहानी के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट ये होता है कि कुछ समय बाद वही बच्चा आँख खोल देता है अब तो वाल्मीकि को भी शौक लगता है लेकिन वो कुछ कर तो नहीं सकता अब क्योंकि जो हो गया है वो तो हो गया है अब वही बच्चा जो बड़ा हो बड़ा होकर बंटू यानी कि अलोअर्जन होते हैं जो कि वाल्मीकि के साथ रहता है और जो वाल्मीकि का जो बच्चा होता है इनका नाम राज मनोहर है जो कि अब यशोदा के पास है और एक रही जिंदगी जी रहा होता है लेकिन वो बात तो दोस्तों है ही ना कि सच्चा एक दिन ज़रूर सामने आ ही जाती है भले ही आप कितना भी छुपा लो और ऐसा ही दोस्तों एक दिन हो ही जाता है जो बंटू है इसको सब कुछ मालूम पड़ ही जाता है कि दरअसल जो वाल्मीकि है वो मेरा असली पिता नहीं है असली पिता उसका रामचंद्रा है और उसकी असली माता यशोदा है लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना दोस्तों वो वाकई बहुत ही गजब का है एकदम परफेक्ट क्लाइमेक्स आप इसे कह सकते हैं फिल्म वाकई बहुत ही अच्छी बनाई गई है और ये भी आप ज़रूर जानिए कि जब उसे मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि उसका असली पिता नहीं है तो क्या क्या सीन यहाँ पर होते हैं और आपको यहाँ पर जो व्यस्त हुई चतनिया भी देखने को मिलते हैं इस फिल्म के अंदर इनका भी दोस्तों काफ़ी अच्छा रोल फिल्म के अंदर है हालांकि वो बहुत सारे शो के अंदर भी आपको देखने को मिली होगी और काफ़ी सारे रील्स में भी वो काफ़ी पॉपुलर है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा आप कोई निराश नहीं करेंगी अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी आप इसे देख सकते हैं साउथ में दोस्तों वैसे तो बहुत सारी ज़बरदस्त मूवीज़ अवेलेबल है लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसे भी होती है जो कि हमारे दिल को छू लेती है और उसे हम लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं आज मैं आपको साउथ की ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है अल्लाह वैंकटपुरमुल वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो शानदार फिल्म है वो कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है क्या ये मूवी यूटूब पर है या फिर नहीं और अगर हमें हिंदी के अंदर देखनी है तो कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है और इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कास्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे मतलब आपको फ़िल्म के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी जो है वो मिलने वाली है फिल्म दोस्तों वाकई ही बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और जो अल्लू अर्जुन है इनकी जो करियर है इनकी जो मूवीज़ है वो मूवीज़ में से एक बहुत ही बेहतरीन मूवी साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म का कारोबार भी काफ़ी बढ़िया रहा था काश इस मूवी को उस टाइम पर हिंदी के अंदर भी रिलीज़ कराया जाता तो शायद ये मूवी दोस्तों और कमाल कर देती तो अगर फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2020 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और यहाँ पर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिला था दोस्तों आपको बताया होगा कि 2020 के अंदर हमें लॉकडाउन भी देखने को मिला था लेकिन ये फिल्म उससे पहले रिलीज़ हो गई थी अगर लॉकडाउन के टाइम पे भी रिलीज़ होती तो शायद अल्लू अर्जुन का इतना क्रेज़ है कि मूवी ज़रूर हिट होती खैर ये मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ है सौ पर्दे से किसे मिले हुए हैं रोटन टमाटोज की तरफ से और सात पॉइंट तीन की रेटिंग इसे मिली है आईएमडीबी की तरफ से और इसे डायरेक्ट किया हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले दे चुके हैं जैसे कि अत्थाड़ू है गुंटूरू कारम और अरविंदा सामेथा वीरा राघवा कलेजा जुलाए ऐसी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने दे रखी है इनके दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो काफ़ी फेमस भी रही है जैसे कि सन ऑफ सत्यमूर्ति जो कि बहुत ही बढ़िया फिल्म रही थी अगर हम डबिंग की बात करें तो इस फिल्म की डबिंग भी काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि गोल्ड मैन ने कराई है जो गोल्ड मैन से इन्होंने इस फिल्म की डबिंग कराई हुई है तो डबिंग भी दोस्तों इस फिल्म की काफ़ी शानदार हुई है और संकेत माधरे का ही वॉइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है फिल्म के कास्ट में आपको पूजा हैगड़े वैष्णवी चतनिया जयराम अल्लू अर्जुन निवथा पैथू सुशांत अनुमोलू तब्बू मुरली शर्मा समुद्र करणी रोहिणी सचिन केडेकर नवदीप ऐश्वरीय राव गोविंद हाइपर आदि सत्यराज नसर वनला किशोर तनिकला भरानी कल्याणी एन राजेंद्र प्रसाद हर्षवर्धन राहुल रामा ब्रह्मा जी ऐसे आपको बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो आपको बिल्कुल भी दोष निराश नहीं होने देगा तो चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ही अवेलेबल नहीं है इसके लिए आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी आप लोग टी पर इसे जो है वो देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको टीवी पर देखने को मिल जाएंगी आपको टीवी पर आसानी से ये फिल्म मिलेंगी और अक्सर जो गोल्ड माइंड से इनकी टीवी चैनल पर ये मूवी आती रहती है तो आप टीवी पर भी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये फिल्म जो है बनाई गई है और शुरू से लेकर एंड तक कि ये जो है आपको बांधे रखती है और इसमें ये जो है वो कामयाब रहती है इसे प्रोड्यूस किया था हारिका एंड हसीन क्रियसन ने इसके अलावा जो अलू अर्जुन के पिताजी है वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी रहे हैं मूवी के अंदर आपको थमन एस का कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है कहानी काफ़ी सिंपल रहती है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसका स्क्रीन प्ले सिनेमामेटोग्राफी हो बहुत ही बढ़िया है शुरुआत के अंदर आपको ये दिखाया गया है कि जो मुरली शर्मा है इनका नाम वाल्मीकि फ़िल्म के अंदर होता है वो एक बहुत ही बड़ा जो रहीस ख़ानदान होता है वहाँ पर वो काम करता है जॉब की और मतलब उनकी जो मालकिन है वाल्मीकि की जो मालकिन तब्बू है यानी कि यशोदा है वो होती है प्रेग्नेंट और उसे हस्पताल लिया जाता है और सैम डे पर जो वाल्मीकि की जो पत्नी है वो वही अस्पताल के अंदर होती है अब दुर्भाग्य दुर्भाग्य से होता यूँ है कि दोनों को बेटा होता है लेकिन जो यशोदा को बेटा हुआ है वो थोड़ी देर आँख नहीं खुल रहा होता है और वाल्मीकि कंजूस आदमी होता है और उसकी आर्थिक परिस्थिति खराब होने की वजह से वो ऐसा सोचता है कि उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो लेकर ऊपर जाएगा वहाँ रख देगा और वो जो बच्चा आँख नहीं खुल रहा है उसे वो लेकर नीचे आ जाएगा और अपनी वाइफ के पास रख देगा जब उसकी पत्नी आँख खोलेंगी तो बता देगा कि हमारा बच्चा जो हुआ है वो आंख नहीं खोल रहा है हो सकता है कि इनकी मृत्यु हुई है मतलब ऐसी वो सोच रखता है और ये सब कुछ करते हुए एक नर्स देख लेती है लेकिन वो उसे धक्का मारता है और वो गिर जाती है फिर आता है दोस्तों कहानी के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट ये होता है कि कुछ समय बाद वही बच्चा आँख खोल देता है अब तो वाल्मीकि को भी शौक लगता है लेकिन वो कुछ कर तो नहीं सकता अब तो क्योंकि जो हो गया है वो तो हो गया है अब वही बच्चा जो बड़ा हो बड़ा होकर बंटू यानी कि अलोअर्जन होते हैं जो कि वाल्मीकि के साथ रहता है और जो वाल्मीकि का जो बच्चा होता है इनका नाम राज मनोहर है जो कि अब यशोदा के पास है और एक रही जिंदगी जी रहा होता है लेकिन वो बात तो दोस्तों है ही ना कि सच्चा एक दिन ज़रूर सामने आ ही जाती है भले ही आप कितना भी छुपा लो और ऐसा ही दोस्तों एक दिन हो ही जाता है जो बंटू है इसको सब कुछ मालूम पड़ ही जाता है कि दरअसल जो वाल्मीकि है वो मेरा असली पिता नहीं है असली पिता उसका रामचंद्रा है और उसकी असली माता यशोदा है लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना दोस्तों वो वाकई बहुत ही गजब का है एकदम परफेक्ट क्लाइमेक्स आप इसे कह सकते हैं फिल्म वाकई बहुत ही अच्छी बनाई गई है और ये भी आप ज़रूर जानिए कि जब उसे मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि उसका असली पिता नहीं है तो क्या क्या सीन यहाँ पर होते हैं और आपको यहाँ पर जो व्यस्त हुई चतने हो भी देखने को मिलते हैं इस फिल्म के अंदर इनका भी दोस्तों काफ़ी अच्छा रोल फिल्म के अंदर है हालांकि वो बहुत सारे शो के अंदर भी आपको देखने को मिली होगी और काफ़ी सारे रील्स में भी वो काफ़ी पॉपुलर है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा आप कोई निराश नहीं करेंगी अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी आप इसे देख सकते हैं साउथ में दोस्तों वैसे तो बहुत सारी ज़बरदस्त मूवीज़ अवेलेबल है लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती है जो कि हमारे दिल को छू लेती है और उसे हम लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं आज मैं आपको साउथ की ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है अल्लाह वेंकटपुरमुल वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो शानदार फिल्म है वो कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं और अगर हमें हिंदी के अंदर देखनी है तो कौन से प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है और इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कास्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे मतलब आपको फ़िल्म के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी जो है वो मिलने वाली है फिल्म दोस्तों वाकई ही बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और जो अल्लू अर्जुन है इनकी जो करियर है इनकी जो मूवीज़ है वो मूवीज़ में से एक बहुत ही बेहतरीन मूवी साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म का कारोबार भी काफ़ी बढ़िया रहा था काश इस मूवी को उस टाइम पर हिंदी के अंदर भी रिलीज़ कराया जाता तो शायद ये मूवी दोस्तों और कमाल कर देती तो अगर फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2020 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और यहाँ पर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिला था दोस्तों आपको बताया होगा कि 2020 के अंदर हमें लॉकडाउन भी देखने को मिला था लेकिन ये फिल्म उससे पहले रिलीज़ हो गई थी अगर लॉकडाउन के टाइम पे भी रिलीज़ होती तो शायद अल्लू अर्जुन का इतना क्रेज़ है कि मूवी ज़रूर हिट होती खैर ये मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्ट रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ है सौ पर्दे से किसे मिले हुए हैं रोटन टमाटोज की तरफ से और सात पॉइंट तीन की रेटिंग से मिली है आईएमडीबी की तरफ से और इसे डायरेक्ट किया हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले दे चुके हैं जैसे कि अतारू है गुंटूरु कारम और अरविंदा सामेथा वीरा राघवा कलेजा जुलाए ऐसी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने दे रखी है इनके दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो काफ़ी फेमस भी रही है जैसे कि सन ऑफ सत्यमूर्ति जो कि बहुत ही बढ़िया फिल्म रही थी अगर हम डबिंग की बात करें तो इस फिल्म की डबिंग भी काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि गोल्ड मैन ने कराई है जो गोल्ड मैन से इन्होंने ही इस फिल्म की डबिंग कराई हुई है तो डबिंग भी दोस्तों इस फिल्म की काफ़ी शानदार हुई है और संकेत माधरे का ही वॉइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है फिल्म के कास्ट में आपको पूजा हैगड़े वैष्णवी चतनिया जयराम अल्लू अर्जुन नेवथा पैथुराज सुशांत अनुमोलू तब्बू मुरली शर्मा समुद्र करणी रोहिणी सचिन केडेकर नवदीप ऐश्वरीय राव गोविंद हाइपर आदि सत्यराज नसर वनला किशोर तनिकला भरानी कल्याणी एन राजेंद्र प्रसाद हर्षवर्धन राहुल रामा ब्रह्मा जी ऐसे आपको बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो आपको बिल्कुल भी दोष निराश नहीं होने देगा तो चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ही अवेलेबल नहीं है इसके लिए आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी आप लोग टीवी पर इसे जो है वो देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको टीवी पर देखने को मिल जाएंगी आपको टीवी पर आसानी से ये फ़िल्म मिलेंगी और अक्सर जो गोल्ड मैन से इनकी टीवी चैनल पर ये मूवी आती रहती है तो आप टीवी पर भी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये फिल्म जो है बनाई गई है और शुरू से लेकर एंड तक ये जो है आपको बांधे रखती है और इसमें ये जो है वो कामयाब रहती है इसे प्रोड्यूस किया था हारिका एंड हसीन क्रियसन ने इसके अलावा जो अलू अर्जुन के पिताजी है वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी रहे हैं मूवी के अंदर आपको थमन एस का कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है कहानी काफ़ी सिंपल रहती है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसका स्क्रीन प्ले सिनेमामेटोग्राफी हो बहुत ही बढ़िया है शुरुआत के अंदर आपको ये दिखाया गया है कि जो मुरली शर्मा है इनका नाम वाल्मीकि फ़िल्म के अंदर होता है वो एक बहुत ही बड़ा जो रहीस ख़ानदान होता है वहाँ पर वो काम करता है जॉब की और मतलब उनकी जो मालकिन है वाल्मीकि की जो मालकिन तब्बू है यानी कि यशोदा है वो होती है प्रेग्नेंट और उसे हस्पताल लिया जाता है और सैम डे पर जो वाल्मीकि की जो पत्नी है वो वही अस्पताल के अंदर होती है अब दुर्भाग्य दुर्भाग्य से होता यूँ है कि दोनों को बेटा होता है लेकिन जो यशोदा को बेटा हुआ है वो थोड़ी देर आँख नहीं खुल रहा होता है और वाल्मीकि कंजूस आदमी होता है और उसकी आर्थिक परिस्थिति ख़राब होने की वजह से वो ऐसा सोचता है कि उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो लेकर ऊपर जाएगा वहाँ रख देगा और वो जो बच्चा आँख नहीं खुल रहा है उसे वो लेकर नीचे आ जाएगा और अपनी वाइफ के पास रख देगा जब उसकी पत्नी आँख खोलेंगी तो बता देगा कि हमारा बच्चा जो हुआ है वो आंख नहीं खुल रहा है हो सकता है कि इनकी मृत्यु हुई है मतलब ऐसी वो सोच रखता है और ये सब कुछ करते हुए एक नर्स देख लेते हैं लेकिन वो उसे धक्का मारता है और वो गिर जाती है फिर आता है दोस्तों कहानी के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट ये होता है कि कुछ समय बाद वही बच्चा आँख खोल देता है अब तो वाल्मीकि को भी शौक़ लगता है लेकिन वो कुछ कर तो नहीं सकता अब तो क्योंकि जो हो गया है वो तो हो गया है अब वही बच्चा जो बड़ा हो बड़ा होकर बंटू यानी कि अलोअर्जन होते हैं जो कि वाल्मीकि के साथ रहता है और जो वाल्मीकि का जो बच्चा होता है इनका नाम राज मनोहर है जो कि अब यशोदा के पास है और एक रही जिंदगी जी रहा होता है लेकिन वो बात तो दोस्तों है ही ना कि सच्चा एक दिन ज़रूर सामने आ ही जाती है भले ही आप कितना भी छुपा लो और ऐसा ही दोस्तों एक दिन हो ही जाता है जो बंटू है इसको सब कुछ मालूम पड़ ही जाता है कि दरअसल जो वाल्मीकि है वो मेरा असली पिता नहीं है असली पिता उसका रामचंद्रा है और उसकी असली माता यशोदा है लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना दोस्तों वो वाकई बहुत ही गजब का है एकदम परफेक्ट क्लाइमेक्स आप इसे कह सकते हैं फिल्म वाकई बहुत ही अच्छी बनाई गई है और ये भी आप ज़रूर जानिए कि जब उसे मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि उसका असली पिता नहीं है तो क्या क्या सीन यहाँ पर होते हैं और आपको यहाँ पर जो व्यस्तें भी जितने हो भी देखने को मिलते हैं इस फिल्म के अंदर इनका भी दोस्तों काफ़ी अच्छा रोल फिल्म के अंदर है हालांकि वो बहुत सारे शो के अंदर भी आपको देखने को मिली होगी और काफ़ी सारे रील्स में भी वो काफ़ी पॉपुलर है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा आप कोई निराश नहीं करेंगी अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी आप इसे देख सकते हैं साउथ में दोस्तों वैसे तो बहुत सारी ज़बरदस्त मूवीज़ अवेलेबल है लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसे भी होती है जो कि हमारे दिल को छू लेती है और उसे हम लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं आज मैं आपको साउथ की ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है अल्लाह वेंकटपुरमुल वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो शानदार फिल्म है वो कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं और अगर हमें हिंदी के अंदर देखनी है तो कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है और इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कास्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे मतलब आपको फ़िल्म के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी जो है वो मिलने वाली है फिल्म दोस्तों वाकई ही बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और जो अल्लू अर्जुन है इनकी जो करियर है इनकी जो मूवीज़ है वो मूवीज़ में से एक बहुत ही बेहतरीन मूवी साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म का कारोबार भी काफ़ी बढ़िया रहा था काश इस मूवी को उस टाइम पर हिंदी के अंदर भी रिलीज़ कराया जाता तो शायद ये मूवी दोस्तों और कमाल कर देती तो अगर फ़िल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2020 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और यहाँ पर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिला था दोस्तों आपको बताया होगा कि 2020 के अंदर हमें लॉकडाउन भी देखने को मिला था लेकिन ये फिल्म उससे पहले रिलीज़ हो गई थी अगर लॉकडाउन के टाइम पे भी रिलीज़ होती तो शायद अल्लू अर्जुन का इतना क्रेज़ है कि मूवी ज़रूर हिट होती खैर ये मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ है सौ पड़ते से किसे मिले हुए हैं रोट एन की तरफ से और सात पॉइंट तीन की रेटिंग इसे मिली है आईएमडीबी की तरफ से और इसे डायरेक्ट किया हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले दे चुके हैं जैसे कि अथाड़ू है गुंटूरू कारम और अरविंद सामिथा वीरा राघवा कलेजा जुलाई ऐसी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने दे रखी है इनके दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो काफ़ी फेमस भी रही है जैसे कि सन ऑफ सत्यमूर्ति जो कि बहुत ही बढ़िया फिल्म रही थी अगर हम डबिंग की बात करें तो इस फिल्म की डबिंग भी काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि गोल्ड मैन ने कराई है जो गोल्ड मैन से इन्होंने ही इस फिल्म की डबिंग कराई हुई है तो डबिंग भी दोस्तों इस फिल्म की काफी शानदार हुई है और संकेत माधरे का ही वॉइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है फिल्म के कास्ट में आपको पूजा हैगड़े वैष्णवी चतनिया जयराम अल्लू अर्जुन नेवथा पैथुराज सुशांत अनुमोलू तब्बू मुरली शर्मा समुद्र करणी रोहिणी सचिन केडेकर नवदीप ऐश्वरीय राव गोविंद हाइपर आदि सत्यराज सुनील नसर वनला किशोर तनिकला भरानी कल्याणी एन राजेंद्र प्रसाद हर्षवर्धन राहुल रामा ब्रह्मा जी ऐसे आपको बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो आपको बिल्कुल भी दोष निराश नहीं होने देगा तो चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ही अवेलेबल नहीं है इसके लिए आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी आप लोग टी पर इसे जो है वो देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको टी पर देखने को मिल जाएंगी आपको टी पर आसानी से ये फ़िल्म मिलेंगी और अक्सर जो गोल्ड माइंड से इनकी टी चैनल पर ये मूवी आती रहती है तो आप टी पर भी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये फिल्म जो है बनाई गई है और शुरू से लेकर एंड तक कि ये जो है आपको बांधे रखती है और इसमें ये जो है वो कामयाब रहती है इसे प्रोड्यूस किया था हारिका एंड हसीन क्रियसन ने इसके अलावा जो अलू अर्जुन के पिताजी है वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी रहे हैं मूवी के अंदर आपको थमन एस का कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है कहानी काफ़ी सिंपल रहती है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसका स्क्रीन प्ले सिनेटोग्राफी हो बहुत ही बढ़िया है शुरुआत के अंदर आपको ये दिखाया गया है कि जो मुरली शर्मा है इनका नाम वाल्मीकि फ़िल्म के अंदर होता है वो एक बहुत ही बड़ा जो रहीस ख़ानदान होता है वहाँ पर वो काम करता है जॉब की और मतलब उनकी जो मालकिन है वाल्मीकि की जो मालकिन तब्बू है यानी कि यशोदा है वो होती है प्रेग्नेंट और उसे हस्पताल लिया जाता है और सैम डे पर जो वाल्मीकि की जो पत्नी है वो वही अस्पताल के अंदर होती है अब दुर्भाग्य दुर्भाग्य से होता यूँ है कि दोनों को बेटा होता है लेकिन जो यशोदा को बेटा हुआ है वो थोड़ी देर आँख नहीं खुल रहा होता है और वाल्मीकि कंजूस आदमी होता है और उसकी आर्थिक परिस्थिति ख़राब होने की वजह से वो ऐसा सोचता है कि उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो लेकर ऊपर जाएगा वहाँ रख देगा और वो जो बच्चा आँख नहीं खुल रहा है उसे वो लेकर नीचे आ जाएगा और अपनी वाइफ के पास रख देगा जब उसकी पत्नी आँख खोलेंगी तो बता देगा कि हमारा बच्चा जो हुआ है वो आंख नहीं खुल रहा है हो सकता है कि इनकी मृत्यु हुई है मतलब ऐसी वो सोच रखता है और ये सब कुछ करते हुए एक नर्स देख लेते हैं लेकिन वो उसे धक्का मारता है और वो गिर जाती है फिर आता है दोस्तों कहानी के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट ये होता है कि कुछ समय बाद वही बच्चा आँख खोल देता है अब तो वाल्मीकि को भी शौक़ लगता है लेकिन वो कुछ कर तो नहीं सकता अब तो क्योंकि जो हो गया है वो तो हो गया है अब वही बच्चा जो बड़ा हो बड़ा होकर बंटू यानी कि अलोअर्जन होते हैं जो कि वाल्मीकि के साथ रहता है और जो वाल्मीकि का जो बच्चा होता है इनका नाम राज मनोहर है जो कि अब यशोदा के पास है और एक रही जिंदगी जी रहा होता है लेकिन वो बात तो दोस्तों है ना कि सच्चा एक दिन जरूर सामने आ ही जाती है भले ही आप कितना भी छुपा लो और ऐसा ही दोस्तों एक दिन हो ही जाता है जो बंटू है इसको सब कुछ मालूम पड़ ही जाता है कि दरअसल जो वाल्मीकि है वो मेरा असली पिता नहीं है असली पिता उसका रामचंद्रा है और उसकी असली माता यशोदा है लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना दोस्तों वो वाकई बहुत ही गजब का है एकदम परफेक्ट क्लाइमेक्स आप इसे कह सकते हैं फिल्म वाकई बहुत ही अच्छी बनाई गई है और ये भी आप ज़रूर जानिए कि जब उसे मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि उसका असली पिता नहीं है तो क्या क्या सीन यहाँ पर होते हैं और आपको यहाँ पर जो व्यस्तें भी चुतने वो भी देखने को मिलते हैं इस फिल्म के अंदर इनका भी दोस्तों काफ़ी अच्छा रोल फिल्म के अंदर है हालांकि वो बहुत सारे शो के अंदर भी आपको देखने को मिली होगी और काफ़ी सारे रील्स में भी वो काफ़ी पॉपुलर है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा आप कोई निराश नहीं करेंगे अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी आप इसे देख सकते हैं साउथ में दोस्तों वैसे तो बहुत सारी ज़बरदस्त मूवीज़ अवेलेबल है लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती है जो कि हमारे दिल को छू लेती है और उसे हम लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं आज मैं आपको साउथ की ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है अल्लाह वेंकटपुरमुल वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो शानदार फिल्म है वो कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं और अगर हमें हिंदी के अंदर देखनी है तो कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है और इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कास्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे मतलब आपको फ़िल्म के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी जो है वो मिलने वाली है फिल्म दोस्तों वाकई ही बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और जो अल्लू अर्जुन है इनकी जो करियर है इनकी जो मूवीज़ है वो मूवीज़ में से एक बहुत ही बेहतरीन मूवी साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म का कारोबार भी काफ़ी बढ़िया रहा था काश इस मूवी को उस टाइम पर हिंदी के अंदर भी रिलीज़ कराया जाता तो शायद ये मूवी दोस्तों और कमाल कर देती तो अगर फ़िल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2020 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और यहाँ पर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिला था दोस्तों आपको बताया होगा कि 2020 के अंदर हमें लॉकडाउन भी देखने को मिला था लेकिन ये फिल्म उससे पहले रिलीज़ हो गई थी अगर लॉकडाउन के टाइम पे भी रिलीज़ होती तो शायद अल्लू अर्जुन का इतना क्रेज़ है कि मूवी ज़रूर हिट होती खैर ये मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्ट रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ है सौ पड़ते से किसे मिले हुए हैं रोटेन टमाटोज की तरफ से और सात पॉइंट तीन की रेटिंग इसे मिली है आईएमडीबी की तरफ से और इसे डायरेक्ट किया हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले दे चुके हैं जैसे कि अत्थाड़ू है गुंटूरु कारम और अरविंद सामिथा वीरा राघवा कलेजा जुलाई ऐसी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने दे रखी है इनके दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो काफ़ी फेमस भी रही है जैसे कि सन ऑफ सत्यमूर्ति जो कि बहुत ही बढ़िया फिल्म रही थी अगर हम डबिंग की बात करें तो इस फिल्म की डबिंग भी काफी अच्छी कराई गई है जो कि गोल्ड मैन ने कराई है जो गोल्ड मैन से इन्होंने ही इस फिल्म की डबिंग कराई हुई है तो डबिंग भी दोस्तों इस फिल्म की काफी शानदार हुई है और संकेत माधरे का ही वॉइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है फिल्म के कास्ट में आपको पूजा हैगड़े वैष्णवी चतनिया जयराम अल्लू अर्जुन नेवथा पैथुराज सुशांत अनुमोलू तब्बू मुरली शर्मा समुद्र करणी रोहिणी सचिन केडेकर नवदीप ऐश्वरीय राव गोविंद हाइपर आदि सत्यराज, सुनील नसर वनला किशोर तनिकला भरानी कल्याणी एन राजेंद्र प्रसाद हर्षवर्धन राहुल रामा ब्रह्मा जी ऐसे आपको बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो आपको बिल्कुल भी दोस्त निराश नहीं होने देगा तो चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ही अवेलेबल नहीं है इसके लिए आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी आप लोग टी पर इसे जो है वो देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको टी पर देखने को मिल जाएंगी आपको टी पर आसानी से ये फ़िल्म मिलेंगी और अक्सर जो गोल्ड माइंड से इनकी टी चैनल पर ये मूवी आती रहती है तो आप टी पर भी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये फिल्म जो है बनाई गई है और शुरू से लेकर एंड तक ये जो है आपको बांधे रखती है और इसमें ये जो है वो कामयाब रहती है इसे प्रोड्यूस किया था हारिका एंड हसीन क्रियसन ने इसके अलावा जो अलू अर्जुन के पिताजी है वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी रहे हैं मूवी के अंदर आपको थमन ऐस का कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है कहानी काफ़ी सिंपल रहती है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसका स्क्रीन प्ले सीनेटोग्राफी हो बहुत ही बढ़िया है शुरुआत के अंदर आपको ये दिखाया गया है कि जो मुरली शर्मा है इनका नाम वाल्मीकि फ़िल्म के अंदर होता है वो एक बहुत ही बड़ा जो रहीस ख़ानदान होता है वहाँ पर वो काम करता है जॉब की और मतलब उनकी जो मालकिन है वाल्मीकि की जो मालकिन तब्बू है यानी कि यशोदा है वो होती है प्रेग्नेंट और उसे हस्पताल लिया जाता है और सैम डे पर जो वाल्मीकि की जो पत्नी है वो वही अस्पताल के अंदर होती है अब दुर्भाग्य दुर्भाग्य से होता यूँ है कि दोनों को बेटा होता है लेकिन जो यशोदा को बेटा हुआ है वो थोड़ी देर आँख नहीं खुल रहा होता है और वाल्मीकि कंजूस आदमी होता है और उसकी आर्थिक परिस्थिति ख़राब होने की वजह से वो ऐसा सोचता है कि उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो लेकर ऊपर जाएगा वहाँ रख देगा और वो जो बच्चा आँख नहीं खुल रहा है उसे वो लेकर नीचे आ जाएगा और अपनी वाइफ के पास रख देगा जब उसकी पत्नी आँख खोलेंगी तो बता देगा कि हमारा बच्चा जो हुआ है वो आंख नहीं खोल रहा है हो सकता है कि इनकी मृत्यु हुई है मतलब ऐसी वो सोच रखता है और ये सब कुछ करते हुए एक नर्स देख लेती है लेकिन वो उसे धक्का मारता है और वो गिर जाती है फिर आता है दोस्तों कहानी के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट ये होता है कि कुछ समय बाद वही बच्चा आँख खोल देता है अब तो वाल्मीकि को भी शौक लगता है लेकिन वो कुछ कर तो नहीं सकता अब तो क्योंकि जो हो गया है वो तो हो गया है अब वही बच्चा जो बड़ा हो बड़ा होकर बंटू यानी कि अलोर्जुन होते हैं जो कि वाल्मीकि के साथ रहता है और जो वाल्मीकि का जो बच्चा होता है इनका नाम राज मनोहर है जो कि अब यशोदा के पास है और एक रही जिंदगी जी रहा होता है लेकिन वो बात तो दोस्तों है ही ना कि सच्चा एक दिन ज़रूर सामने आ ही जाती है भले ही आप कितना भी छुपा लो और ऐसा ही दोस्तों एक दिन हो ही जाता है जो बंटू है इसको सब कुछ मालूम पड़ ही जाता है कि दरअसल जो वाल्मीकि है वो मेरा असली पिता नहीं है असली पिता उसका रामचंद्रा है और उसकी असली माता यशोदा है लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना दोस्तों वो वाकई बहुत ही गजब का है एकदम परफेक्ट क्लाइमेक्स आप इसे कह सकते हैं फिल्म वाकई बहुत ही अच्छी बनाई गई है और ये भी आप ज़रूर जानिए कि जब उसे मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि उसका असली पिता नहीं है तो क्या क्या सीन यहाँ पर होते हैं और आपको यहाँ पर जो वैसने वी चतने हो भी देखने को मिलते हैं इस फिल्म के अंदर इनका भी दोस्तों काफ़ी अच्छा रोल फिल्म के अंदर है हालांकि वो बहुत सारे शो के अंदर भी आपको देखने को मिली होगी और काफ़ी सारे रील्स में भी वो काफ़ी पॉपुलर है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा आप कोई निराश नहीं करेंगी अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी आप इसे देख सकते हैं साउथ में दोस्तों वैसे तो बहुत सारी ज़बरदस्त मूवीज़ अवेलेबल है लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसे भी होती है जो कि हमारे दिल को छू लेती है और उसे हम लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं आज मैं आपको साउथ की ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है अल्लाह वेंकटपुरमुल वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो शानदार फिल्म है वो कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं और अगर हमें हिंदी के अंदर देखनी है तो कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है और इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कास्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे मतलब आपको फ़िल्म के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी जो है वो मिलने वाली है फिल्म दोस्तों वाकई ही बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और जो अल्लू अर्जुन है इनकी जो करियर है इनकी जो मूवीज़ है वो मूवीज़ में से एक बहुत ही बेहतरीन मूवी साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म का कारोबार भी काफ़ी बढ़िया रहा था काश इस मूवी को उस टाइम पर हिंदी के अंदर भी रिलीज़ कराया जाता तो शायद ये मूवी दोस्तों और कमाल कर देती तो अगर फ़िल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2020 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और यहाँ पर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिला था दोस्तों आपको बताया होगा कि 2020 के अंदर हमें लॉकडाउन भी देखने को मिला था लेकिन ये फिल्म उससे पहले रिलीज़ हो गई थी अगर लॉकडाउन के टाइम पे भी रिलीज़ होती तो शायद अल्लू अर्जुन का इतना क्रेज़ है कि मूवी ज़रूर हिट होती खैर ये मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्ट रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ है सौ पड़ते से किसे मिले हुए है रोट एन की तरफ से और सात पॉइंट तीन की रेटिंग इसे मिली है आईएमडीबी की तरफ से और इसे डायरेक्ट किया हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले दे चुके हैं जैसे कि अत्थाड़ू है गुंटूरू कारम और अरविंद सामथा वीरा राघवा कलेजा जुलाई ऐसी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने दे रखी है इनके दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो काफ़ी फेमस भी रही है जैसे कि सन ऑफ सत्यमूर्ति जो कि बहुत ही बढ़िया फिल्म रही थी अगर हम डबिंग की बात करें तो इस फिल्म की डबिंग भी काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि गोल्ड मैन ने कराई है जो गोल्ड मैन से इन्होंने ही इस फिल्म की डबिंग कराई हुई है तो डबिंग भी दोस्तों इस फिल्म की काफी शानदार हुई है और संकेत माधरे का ही वॉइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है फिल्म के कास्ट में आपको पूजा हैगड़े वैष्णवी चतनिया जयराम अल्लू अर्जुन नेवथा पैथुराज सुशांत अनुमोलू तब्बू मुरली शर्मा समुद्र करणी रोहिणी सचिन केडेकर नवदीप ऐश्वरी राव गोविंद हाइपर आदि सत्यराज, सुनील नसर वनला किशोर तनिकला भरानी कल्याणी एन राजेंद्र प्रसाद हर्षवर्धन राहुल रामा ब्रह्मा जी ऐसे आपको बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो आपको बिल्कुल भी दोस्त निराश नहीं होने देगा तो चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ही अवेलेबल नहीं है इसके लिए आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यानी कि जो गोल्ड मैंट्स का टी चैनल है वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएगी आप लोग टी पर इसे जो है वो देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको टी पर देखने को मिल जाएंगी आपको टी पर आसानी से ये फ़िल्म मिलेंगी और अक्सर जो गोल्ड माइंड से इनकी टी चैनल पर ये मूवी आती रहती है तो आप टी पर भी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये फिल्म जो है बनाई गई है और शुरू से लेकर एंड तक कि ये जो है आपको बांधे रखती है और इसमें ये जो है वो कामयाब रहती है इसे प्रोड्यूस किया था हारिका एंड हसीन क्रियसन ने इसके अलावा जो अलू अर्जुन के पिताजी है वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी रहे हैं मूवी के अंदर आपको थमन एस का कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है कहानी काफ़ी सिंपल रहती है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसका स्क्रीन प्ले सिनेटोग्राफी हो बहुत ही बढ़िया है शुरुआत के अंदर आपको ये दिखाया गया है कि जो मुरली शर्मा है इनका नाम वाल्मीकि फ़िल्म के अंदर होता है वो एक बहुत ही बड़ा जो रहीस ख़ानदान होता है वहाँ पर वो काम करता है जॉब की और मतलब उनकी जो मालकिन है वाल्मीकि की जो मालकिन तब्बू है यानी कि यशोदा है वो होती है प्रेग्नेंट और उसे हस्पताल लिया जाता है और सैम डे पर जो वाल्मीकि की जो पत्नी है वो वही अस्पताल के अंदर होती है अब दुर्भाग्य दुर्भाग्य से होता यूँ है कि दोनों को बेटा होता है लेकिन जो यशोदा को बेटा हुआ है वो थोड़ी देर आँख नहीं खुल रहा होता है और वाल्मीकि कंजूस आदमी होता है और उसकी आर्थिक परिस्थिति ख़राब होने की वजह से वो ऐसा सोचता है कि उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो लेकर ऊपर जाएगा वहाँ रख देगा और वो जो बच्चा आँख नहीं खुल रहा है उसे वो लेकर नीचे आ जाएगा और अपनी वाइफ के पास रख देगा जब उसकी पत्नी आँख खोलेंगी तो बता देगा कि हमारा बच्चा जो हुआ है वो आंख नहीं खोल रहा है हो सकता है कि इनकी मृत्यु हुई है मतलब ऐसी वो सोच रखता है और ये सब कुछ करते हुए एक नर्स देख लेती है लेकिन वो उसे धक्का मारता है और वो गिर जाती है फिर आता है दोस्तों कहानी के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट ये होता है कि कुछ समय बाद वही बच्चा आँख खोल देता है अब तो वाल्मीकि को भी शौक लगता है लेकिन वो कुछ कर तो नहीं सकता अब तो क्योंकि जो हो गया है वो तो हो गया है अब वही बच्चा जो बड़ा हो बड़ा होकर बंटू यानी कि अलोर्जुन होते हैं जो कि वाल्मीकि के साथ रहता है और जो वाल्मीकि का जो बच्चा होता है इनका नाम राज मनोहर है जो कि अब यशोदा के पास है और एक रही जिंदगी जी रहा होता है लेकिन वो बात तो दोस्तों है ही ना कि सच्चा एक दिन ज़रूर सामने आ ही जाती है भले ही आप कितना भी छुपा लो और ऐसा ही दोस्तों एक दिन हो ही जाता है जो बंटू है इसको सब कुछ मालूम पड़ ही जाता है कि दरअसल जो वाल्मीकि है वो मेरा असली पिता नहीं है असली पिता उसका रामचंद्रा है और उसकी असली माता यशोदा है लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना दोस्तों वो वाकई ही बहुत ही गजब का है एकदम परफेक्ट क्लाइमेक्स आप इसे कह सकते हैं फिल्म वाकई ही बहुत ही अच्छी बनाई गई है और ये भी आप ज़रूर जानिए कि जब उसे मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि उसका असली पिता नहीं है तो क्या क्या सीन यहाँ पर होते हैं और आपको यहाँ पर जो वैसने वी चतन हो भी देखने को मिलते हैं इस फिल्म के अंदर इनका भी दोस्तों काफ़ी अच्छा रोल फिल्म के अंदर है हालांकि वो बहुत सारे शो के अंदर भी आपको देखने को मिली होगी और काफ़ी सारे रील्स में भी वो काफ़ी पॉपुलर है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा आप कोई निराश नहीं करेंगी अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी आप इसे देख सकते हैं साउथ में दोस्तों वैसे तो बहुत सारी ज़बरदस्त मूवीज़ अवेलेबल है लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती है जो कि हमारे दिल को छू लेती है और उसे हम लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं आज मैं आपको साउथ की ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है अल्लाह वेंकटपुरमुल वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो शानदार फिल्म है वो कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं और अगर हमें हिंदी के अंदर देखनी है तो कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है और इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कास्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे मतलब आपको फ़िल्म के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी जो है वो मिलने वाली है फिल्म दोस्तों वाकई ही बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और जो अल्लू अर्जुन है इनकी जो करियर है इनकी जो मूवीज़ है वो मूवीज में से एक बहुत ही बेहतरीन मूवी साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म का कारोबार भी काफ़ी बढ़िया रहा था काश इस मूवी को उस टाइम पर हिंदी के अंदर भी रिलीज़ कराया जाता तो शायद ये मूवी दोस्तों और कमाल कर देती तो अगर फ़िल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2020 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और यहाँ पर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिला था दोस्तों आपको बताया होगा कि 2020 के अंदर हमें लॉकडाउन भी देखने को मिला था लेकिन ये फिल्म उससे पहले रिलीज़ हो गई थी अगर लॉकडाउन के टाइम पे भी रिलीज़ होती तो शायद अल्लू अर्जुन का इतना क्रेज़ है कि मूवी ज़रूर हिट होती खैर ये मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्ट रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ है सौ पड़ते से किसे मिले हुए हैं रोटेन टमाटोज की तरफ से और सात पॉइंट तीन की रेटिंग इसे मिली है आईएमडीबी की तरफ से और इसे डायरेक्ट किया हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले दे चुके हैं जैसे कि अत्थाड़ू है गुंटूरु कारम और अरविंद सामथा वीरा राघवा कलेजा जुलाए ऐसी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने दे रखी है इनके दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो काफ़ी फेमस भी रही है जैसे कि सन ऑफ सत्यमूर्ति जो कि बहुत ही बढ़िया फिल्म रही थी अगर हम डबिंग की बात करें तो इस फिल्म की डबिंग भी काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि गोल्ड मैन ने कराई है जो गोल्ड मैन से इन्होंने ही इस फिल्म की डबिंग कराई हुई है तो डबिंग भी दोस्तों इस फिल्म की काफ़ी शानदार हुई है और संकेत महाद्रे का ही वॉइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है फिल्म के कास्ट में आपको पूजा हैगड़े वैष्णवी चतनिया जयराम अल्लू अर्जुन निवथा पैथू सुशांत अनुमोलू तब्बू मुरली शर्मा करणी रोहिणी सचिन केडेकर नवदीप ऐश्वरीय राव गोविंद हाइपर आदि सत्यराज नसर वनला किशोर तनिकला भरानी कल्याणी एन राजेंद्र प्रसाद हर्षवर्धन राहुल रामा ब्रह्मा जी ऐसे आपको बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो आपको बिल्कुल भी दोष निराश नहीं होने देगा तो चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ही अवेलेबल नहीं है इसके लिए आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी आप लोग टी पर इसे जो है वो देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको टीवी पर देखने को मिल जाएंगी आपको टीवी पर आसानी से ये फ़िल्म मिलेंगी और अक्सर जो गोल्ड माइंड से इनकी टीवी चैनल पर ये मूवी आती रहती है तो आप टीवी पर भी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये फिल्म जो है बनाई गई है और शुरू से लेकर एंड तक ये जो है आपको बांध रखती है और इसमें ये जो है वो कामयाब रहती है इसे प्रोड्यूस किया था हारिका एंड हसीन क्रियसन ने इसके अलावा जो अलू अर्जुन के पिताजी है वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी रहे हैं मूवी के अंदर आपको थमन एस का कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है कहानी काफ़ी सिंपल रहती है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसका स्क्रीन प्ले सिनेमामेटोग्राफी हो बहुत ही बढ़िया है शुरुआत के अंदर आपको ये दिखाया गया है कि जो मुरली शर्मा है इनका नाम वाल्मीकि फ़िल्म के अंदर होता है वो एक बहुत ही बड़ा जो रहीस ख़ानदान होता है वहाँ पर वो काम करता है जॉब की और मतलब उनकी जो मालकिन है वाल्मीकि की जो मालकिन तब्बू है यानी कि यशोदा है वो होती है प्रेग्नेंट और उसे हस्पताल लिया जाता है और सैम डे पर जो वाल्मीकि की जो पत्नी है वो वही अस्पताल के अंदर होती है अब दुर्भाग्य दुर्भाग्य से होता यूँ है कि दोनों को बेटा होता है लेकिन जो यशोदा को बेटा हुआ है वो थोड़ी देर आँख नहीं खुल रहा होता है और वाल्मीकि कंजूस आदमी होता है और उसकी आर्थिक परिस्थिति ख़राब होने की वजह से वो ऐसा सोचता है कि उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो लेकर ऊपर जाएगा वहाँ रख देगा और वो जो बच्चा आँख नहीं खुल रहा है उसे वो लेकर नीचे आ जाएगा और अपनी वाइफ के पास रख देगा जब उसकी पत्नी आँख खोलेंगी तो बता देगा कि हमारा बच्चा जो हुआ है वो आंख नहीं खोल रहा है हो सकता है कि इनकी मृत्यु हुई है मतलब ऐसी वो सोच रखता है और ये सब कुछ करते हुए एक नर्स देख लेती है लेकिन वो उसे धक्का मारता है और वो गिर जाती है फिर आता है दोस्तों कहानी के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट ये होता है कि कुछ समय बाद वही बच्चा आँख खोल देता है अब तो वाल्मीकि को भी शौक़ लगता है लेकिन वो कुछ कर तो नहीं सकता अब तो क्योंकि जो हो गया है वो तो हो गया है अब वही बच्चा जो बड़ा हो बड़ा होकर बंटू यानी कि आलोर्जन होते हैं जो कि वाल्मीकि के साथ रहता है और जो वाल्मीकि का जो बच्चा होता है इनका नाम राज मनोहर है जो कि अब यशोदा के पास है और एक रही जिंदगी जी रहा होता है लेकिन वो बात तो दोस्तों है ही ना कि सच्चा एक दिन ज़रूर सामने आ ही जाती है भले ही आप कितना भी छुपा लो और ऐसा ही दोस्तों एक दिन हो ही जाता है जो बंटू है इसको सब कुछ मालूम पड़ ही जाता है कि दरअसल जो वाल्मीकि है वो मेरा असली पिता नहीं है असली पिता उसका रामचंद्रा है और उसकी असली माता यशोदा है लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना दोस्तों वो वाकई ही बहुत ही गजब का है एकदम परफेक्ट क्लाइमेक्स आप इसे कह सकते हैं फिल्म वाकई ही बहुत ही अच्छी बनाई गई है और ये भी आप ज़रूर जानिए कि जब उसे मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि उसका असली पिता नहीं है तो क्या क्या सीन यहाँ पर होते हैं और आपको यहाँ पर जो व्यस्तें भी चतने हो भी देखने को मिलते हैं इस फिल्म के अंदर इनका भी दोस्तों काफ़ी अच्छा रोल फिल्म के अंदर है हालांकि वो बहुत सारे शो के अंदर भी आपको देखने को मिली होगी और काफ़ी सारे रील्स में भी वो काफ़ी पॉपुलर है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा आप कोई निराश नहीं करेंगी अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी आप इसे देख सकते हैं साउथ में दोस्तों वैसे तो बहुत सारी ज़बरदस्त मूवीज़ अवेलेबल है लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसे भी होती है जो कि हमारे दिल को छू लेती है और उसे हम लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं आज मैं आपको साउथ की ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है अल्लाह वेंकटपुरमुल वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो शानदार फिल्म है वो कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है क्या ये मूवी यूटूब पर है या फिर नहीं और अगर हमें हिंदी के अंदर देखनी है तो कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है और इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कास्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे मतलब आपको फ़िल्म के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी जो है वो मिलने वाली है फिल्म दोस्तों वाकई ही बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और जो अल्लू अर्जुन है इनकी जो करियर है इनकी जो मूवीज़ है वो मूवीज़ में से एक बहुत ही बेहतरीन मूवी साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म का कारोबार भी काफ़ी बढ़िया रहा था काश इस मूवी को उस टाइम पर हिंदी के अंदर भी रिलीज़ कराया जाता तो शायद ये मूवी दोस्तों और कमाल कर देती तो अगर फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2020 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और यहाँ पर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिला था दोस्तों आपको बताया होगा कि 2020 के अंदर हमें लॉकडाउन भी देखने को मिला था लेकिन ये फिल्म उससे पहले रिलीज़ हो गई थी अगर लॉकडाउन के टाइम भी रिलीज़ होती तो शायद अल्लू अर्जुन का इतना क्रेज़ है कि मूवी ज़रूर हिट होती खैर ये मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ है सौ पर्दे से किसे मिले हुए हैं रोटन टमाटोज की तरफ से और सात पॉइंट तीन की रेटिंग से मिली है आईएमडीबी की तरफ से और इसे डायरेक्ट किया हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले दे चुके हैं जैसे कि अतारू है गुंटूरू कारम और अरविंदा सामेथा वीरा राघवा कलेजा जुलाए ऐसी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने दे रखी है इनके दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो काफ़ी फेमस भी रही है जैसे कि सन ऑफ सत्यमूर्ति जो कि बहुत ही बढ़िया फिल्म रही थी अगर हम डबिंग की बात करें तो इस फिल्म की डबिंग भी काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि गोल्ड मैन कराई है जो गोल्ड मैन से इन्होंने इस फिल्म की डबिंग कराई हुई है तो डबिंग भी दोस्तों इस फिल्म की काफ़ी शानदार हुई है और संकेत माधरे का ही वॉइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है फिल्म के कास्ट में आपको पूजा हैगड़े वैष्णवी चतनिया जयराम अल्लू अर्जुन निवथा पैथू सुशांत अनुमोलू तब्बू मुरली शर्मा समुद्र करणी रोहिणी सचिन केडेकर नवदीप ऐश्वरीय राव गोविंद हाइपर आदि सत्यराज सुनील नसर वनला किशोर तनिकला भरानी कल्याणी एन राजेंद्र प्रसाद हर्षवर्धन राहुल रामा ब्रह्मा जी ऐसे आपको बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो आपको बिल्कुल भी दोष निराश नहीं होने देगा तो चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ही अवेलेबल नहीं है इसके लिए आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी आप लोग टीवी पर इसे जो है वो देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको टीवी पर देखने को मिल जाएंगी आपको टीवी पर आसानी से ये फिल्म मिलेंगी और अक्सर जो गोल्ड माइंड से इनकी टीवी चैनल पर ये मूवी आती रहती है तो आप टीवी पर भी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये फिल्म जो है बनाई गई है और शुरू से लेकर एंड तक ये जो है आपको बांधे रखती है और इसमें ये जो है वो कामयाब रहती है इसे प्रोड्यूस किया था हारिका एंड हसीन क्रियसन ने इसके अलावा जो अलू अर्जुन के पिताजी है वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी रहे हैं मूवी के अंदर आपको थमन एस का कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है कहानी काफ़ी सिंपल रहती है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसका स्क्रीन प्ले सिनेमामेटोग्राफी हो बहुत ही बढ़िया है शुरुआत के अंदर आपको ये दिखाया गया है कि जो मुरली शर्मा है इनका नाम वाल्मीकि फ़िल्म के अंदर होता है वो एक बहुत ही बड़ा जो रेज़ ख़ानदान होता है वहाँ पर वो काम करता है जॉब की और मतलब उनकी जो मालकिन है वाल्मीकि की जो मालकिन तब्बू है यानी कि यशोदा है वो होती है प्रेग्नेंट और उसे हस्पताल लिया जाता है और सैम डे पर जो वाल्मीकि की जो पत्नी है वो वही अस्पताल के अंदर होती है अब दुर्भाग्य दुर्भाग्य से होता यूँ है कि दोनों को बेटा होता है लेकिन जो यशोदा को बेटा हुआ है वो थोड़ी देर आँख नहीं खुल रहा होता है और वाल्मीकि कंजूस आदमी होता है और उसकी आर्थिक परिस्थिति ख़राब होने की वजह से वो ऐसा सोचता है कि उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो लेकर ऊपर जाएगा वहाँ रख देगा और वो जो बच्चा आँख नहीं खुल रहा है उसे वो लेकर नीचे आ जाएगा और अपनी वाइफ के पास रख देगा जब उसकी पत्नी आँख खोलेंगी तो बता देगा कि हमारा बच्चा जो हुआ है वो आंख नहीं खोल रहा है हो सकता है कि इनकी मृत्यु हुई है मतलब ऐसी वो सोच रखता है और ये सब कुछ करते हुए एक नर्स देख लेती है लेकिन वो उसे धक्का मारता है और वो गिर जाती है फिर आता है दोस्तों कहानी के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट ये होता है कि कुछ समय बाद वही बच्चा आँख खोल देता है अब तो वाल्मीकि को भी शौक लगता है लेकिन वो कुछ कर तो नहीं सकता क्योंकि तो जो हो गया है वो तो हो गया है अब वही बच्चा जो बड़ा हो बड़ा होकर बंटू यानी कि अलोअर्जन होते हैं जो कि वाल्मीकि के साथ रहता है और जो वाल्मीकि का जो बच्चा होता है इनका नाम राज मनोहर है जो कि अब यशोदा के पास है और एक रही जिंदगी जी रहा होता है लेकिन वो बात तो दोस्तों है ही ना कि सच्चा एक दिन ज़रूर सामने आ ही जाती है भले ही आप कितना भी छुपा लो और ऐसा ही दोस्तों एक दिन हो ही जाता है जो बंटू है इसको सब कुछ मालूम पड़ ही जाता है कि दरअसल जो वाल्मीकि है वो मेरा असली पिता नहीं है असली पिता उसका रामचंद्रा है और उसकी असली माता यशोदा है लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना दोस्तों वो वाकई ही बहुत ही गजब का है एकदम परफेक्ट क्लाइमेक्स आप इसे कह सकते हैं फिल्म वाकई ही बहुत ही अच्छी बनाई गई है और ये भी आप ज़रूर जानिए कि जब उसे मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि उसका असली पिता नहीं है तो क्या क्या सीन यहाँ पर होते हैं और आपको यहाँ पर जो व्यस्तें हुई हो भी देखने को मिलते हैं इस फिल्म के अंदर इनका भी दोस्तों काफ़ी अच्छा रोल फिल्म के अंदर है हालांकि वो बहुत सारे शो के अंदर भी आपको देखने को मिली होगी और काफ़ी सारे रील्स में भी वो काफ़ी पॉपुलर है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा आप कोई निराश नहीं करेंगी अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी आप इसे देख सकते हैं साउथ में दोस्तों वैसे तो बहुत सारी ज़बरदस्त मूवीज़ अवेलेबल है लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती है जो कि हमारे दिल को छू लेती है और उसे हम लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं आज मैं आपको साउथ की ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है अल्लाह वेंकटपुरमुल वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो शानदार फिल्म है वो कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं और अगर हमें हिंदी के अंदर देखनी है तो कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है और इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कास्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे मतलब आपको फ़िल्म के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी जो है वो मिलने वाली है फिल्म दोस्तों वाकई ही बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और जो अल्लू अर्जुन है इनकी जो करियर है इनकी जो मूवीज़ है वो मूवीज़ में से एक बहुत ही बेहतरीन मूवी साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म का कारोबार भी काफ़ी बढ़िया रहा था काश इस मूवी को उस टाइम पर हिंदी के अंदर भी रिलीज़ कराया जाता तो शायद ये मूवी दोस्तों और कमाल कर देती तो अगर फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2020 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और यहाँ पर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिला था दोस्तों आपको पता होगा कि 2020 के अंदर हमें लॉकडाउन भी देखने को मिला था लेकिन ये फिल्म उससे पहले रिलीज़ हो गई थी अगर लॉकडाउन के टाइम पे भी रिलीज़ होती तो शायद अल्लू अर्जुन का इतना क्रेज़ है कि मूवी ज़रूर हिट होती खैर ये मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ है सौ पड़ते से किसी मिले हुए हैं रोट एन की तरफ से और सात पॉइंट तीन की रेटिंग इसे मिली है आईएमडीबी की तरफ से और इसे डायरेक्ट किया हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले दे चुके हैं जैसे कि अथाड़ू है गुंटूरू कारम और अरविंद सामेथा वीरा राघवा कलेजा जुलाए ऐसी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने दे रखी है इनके दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो काफ़ी फेमस भी रही है जैसे कि सन ऑफ सत्यमूर्ति जो कि बहुत ही बढ़िया फिल्म रही थी अगर हम डबिंग की बात करें तो इस फिल्म की डबिंग भी काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि गोल्ड मैन ने कराई है जो गोल्ड मैन से इन्होंने इस फिल्म की डबिंग कराई हुई है तो डबिंग भी दोस्तों इस फिल्म की काफ़ी शानदार हुई है और संकेत माधरे का ही वॉइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है फिल्म के कास्ट में आपको पूजा हैगड़े वैष्णवी चतनिया जयराम अल्लू अर्जुन नेवथा पैथुराज सुशांत अनुमोलू तब्बू मुरली शर्मा समुद्र करणी रोहिणी सचिन केडेकर नवदीप ऐश्वरीय राव गोविंद हाइपर आदि सत्यराज नसर वनला किशोर तनिकला भरानी कल्याणी एन राजेंद्र प्रसाद हर्षवर्धन राहुल रामा ब्रह्मा जी ऐसे आपको बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो आपको बिल्कुल भी दोस्त निराश नहीं होने देगा तो चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ही अवेलेबल नहीं है इसके लिए आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी आप लोग टी पर इसे जो है वो देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको टी पर देखने को मिल जाएंगी आपको टी पर आसानी से ये फ़िल्म मिलेंगी और अक्सर जो गोल्ड माइंड से इनकी टीवी चैनल पर ये मूवी आती रहती है तो आप टीवी पर भी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये फ़िल्म जो है बनाई गई है और शुरू से लेकर एंड तक ये जो है आपको बांधे रखती है और इसमें ये जो है वो कामयाब रहती है इसे प्रोड्यूस किया था हारिका एंड हसीन क्रियसन ने इसके अलावा जो अलू अर्जुन के पिताजी है वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी रहे हैं मूवी के अंदर आपको थमन एस का कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है कहानी काफ़ी सिंपल रहती है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसका स्क्रीन प्ले सिनेटोग्राफी हो बहुत ही बढ़िया है शुरुआत के अंदर आपको ये दिखाया गया है कि जो मुरली शर्मा है इनका नाम वाल्मीकि फ़िल्म के अंदर होता है वो एक बहुत ही बड़ा जो रहीस ख़ानदान होता है वहाँ पर वो काम करता है जॉब की और मतलब उनकी जो मालकिन है वाल्मीकि की जो मालकिन तब्बू है यानी कि यशोदा है वो होती है प्रेग्नेंट और उसे हस्पताल लिया जाता है और सैम डे पर जो वाल्मीकि की जो पत्नी है वो वही अस्पताल के अंदर होती है अब दुर्भाग्य दुर्भाग्य से होता यूँ है कि दोनों को बेटा होता है लेकिन जो यशोदा को बेटा हुआ है वो थोड़ी देर आँख नहीं खुल रहा होता है और वाल्मीकि कंजूस आदमी होता है और उसकी आर्थिक परिस्थिति ख़राब होने की वजह से वो ऐसा सोचता है कि उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो लेकर ऊपर जाएगा वहाँ रख देगा और वो जो बच्चा आँख नहीं खुल रहा है उसे वो लेकर नीचे आ जाएगा और अपनी वाइफ के पास रख देगा जब उसकी पत्नी आँख खोलेंगी तो बता देगा कि हमारा बच्चा जो हुआ है वो आंख नहीं खोल रहा है हो सकता है कि इनकी मृत्यु हुई है मतलब ऐसी वो सोच रखता है और ये सब कुछ करते हुए एक नर्स देख लेती है लेकिन वो उसे धक्का मारता है और वो गिर जाती है फिर आता है दोस्तों कहानी के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट ये होता है कि कुछ समय बाद वही बच्चा आँख खोल देता है अब तो वाल्मीकि को भी शौक लगता है लेकिन वो कुछ कर तो नहीं सकता अब तो क्योंकि जो हो गया है वो तो हो गया है अब वही बच्चा जो बड़ा हो बड़ा होकर बंटू यानी कि अलोअर्जन होते हैं जो कि वाल्मीकि के साथ रहता है और जो वाल्मीकि का जो बच्चा होता है इनका नाम राज मनोहर है जो कि अब यशोदा के पास है और एक रही जिंदगी जी रहा होता है लेकिन वो बात तो दोस्तों है ही ना कि सच्चा एक दिन ज़रूर सामने आ ही जाती है भले ही आप कितना भी छुपा लो और ऐसा ही दोस्तों एक दिन हो ही जाता है जो बंटू है इसको सब कुछ मालूम पड़ ही जाता है कि दरअसल जो वाल्मीकि है वो मेरा असली पिता नहीं है असली पिता उसका रामचंद्रा है और उसकी असली माता यशोदा है लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना दोस्तों वो वाकई ही बहुत ही गजब का है एकदम परफेक्ट क्लाइमेक्स आप इसे कह सकते हैं फिल्म वाकई ही बहुत ही अच्छी बनाई गई है और ये भी आप ज़रूर जानिए कि जब उसे मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि उसका असली पिता नहीं है तो क्या क्या सीन यहाँ पर होते हैं और आपको यहाँ पर जो व्यस्तें भी चुतने वो भी देखने को मिलते हैं इस फिल्म के अंदर इनका भी दोस्तों काफ़ी अच्छा रोल फिल्म के अंदर है हालांकि वो बहुत सारे शो के अंदर भी आपको देखने को मिली होगी और काफ़ी सारे रील्स में भी वो काफ़ी पॉपुलर है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा आप कोई निराश नहीं करेंगी अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी आप इसे देख सकते हैं साउथ में दोस्तों वैसे तो बहुत सारी ज़बरदस्त मूवीज़ अवेलेबल है लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसे भी होती है जो कि हमारे दिल को छू लेती है और उसे हम लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं आज मैं आपको साउथ की ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है अल्लाह वेंकटपुरमुल वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो शानदार फिल्म है वो कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं और अगर हमें हिंदी के अंदर देखनी है तो कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है और इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कास्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे मतलब आपको फ़िल्म के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी जो है वो मिलने वाली है फिल्म दोस्तों वाकई ही बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और जो अल्लू अर्जुन है इनकी जो करियर है इनकी जो मूवीज़ है वो मूवीज़ में से एक बहुत ही बेहतरीन मूवी साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म का कारोबार भी काफ़ी बढ़िया रहा था काश इस मूवी को उस टाइम पर हिंदी के अंदर भी रिलीज़ कराया जाता तो शायद ये मूवी दोस्तों और कमाल कर देती तो अगर फ़िल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2020 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और यहाँ पर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिला था दोस्तों आपको पता होगा कि 2020 के अंदर हमें लॉकडाउन भी देखने को मिला था लेकिन ये फिल्म उससे पहले रिलीज़ हो गई थी अगर लॉकडाउन के टाइम पे भी रिलीज़ होती तो शायद अल्लू अर्जुन का इतना क्रेज़ है कि मूवी ज़रूर हिट होती खैर ये मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ है सौ पड़ते से किसे मिले हुए हैं रोट एन की तरफ से और सात पॉइंट तीन की रेटिंग इसे मिली है आईएमडीबी की तरफ से और इसे डायरेक्ट किया हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले दे चुके हैं जैसे कि अथाड़ू है गुंटूरू कारम और अरविंद सामथा वीरा राघवा कलेजा जुलाए ऐसी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने दे रखी है इनके दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो काफ़ी फेमस भी रही है जैसे कि सन ऑफ सत्यमूर्ति जो कि बहुत ही बढ़िया फिल्म रही थी अगर हम डबिंग की बात करें तो इस फिल्म की डबिंग भी काफ़ी अच्छी कराई गई है जो कि गोल्ड मैन ने कराई है जो गोल्ड मैन से इन्होंने ही इस फिल्म की डबिंग कराई हुई है तो डबिंग भी दोस्तों इस फिल्म की काफी शानदार हुई है और संकेत माधरे का ही वॉइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है फिल्म के कास्ट में आपको पूजा हैगड़े वैष्णवी चतनिया जयराम अल्लू अर्जुन नेवथा पैथुराज सुशांत अनुमोलू तब्बू मुरली शर्मा समुद्र करणी रोहिणी सचिन केडेकर नवदीप ऐश्वरी राव गोविंद हाइपर आदि सत्यराज नसर किशोर भरानी कल्याणी एन राजेंद्र प्रसाद हर्षवर्धन राहुल रामा ब्रह्मा जी ऐसे आपको बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो आपको बिल्कुल भी दोस्त निराश नहीं होने देगा तो चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ही अवेलेबल नहीं है इसके लिए आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यानी कि जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी आप लोग टी पर इसे जो है वो देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको टी पर देखने को मिल जाएंगी आपको टी पर आसानी से ये फ़िल्म मिलेंगी और अक्सर जो गोल्ड माइंड से इनकी टी चैनल पर ये मूवी आती रहती है तो आप टी पर भी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये फिल्म जो है बनाई गई है और शुरू से लेकर एंड तक ये जो है आपको बांधे रखती है और इसमें ये जो है वो कामयाब रहती है इसे प्रोड्यूस किया था हारिका एंड हसीन क्रियसन ने इसके अलावा जो अलू अर्जुन के पिताजी है वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी रहे हैं मूवी के अंदर आपको थमन एस का कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है कहानी काफ़ी सिंपल रहती है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसका स्क्रीन प्ले सिनेमामेटोग्राफी हो बहुत ही बढ़िया है शुरुआत के अंदर आपको ये दिखाया गया है कि जो मुरली शर्मा है इनका नाम वाल्मीकि फ़िल्म के अंदर होता है वो एक बहुत ही बड़ा जो रेज ख़ानदान होता है वहाँ पर वो काम करता है जॉब की और मतलब उनकी जो मालकिन है वाल्मीकि की जो मालकिन तब्बू है यानी कि यशोदा है वो होती है प्रेग्नेंट और उसे हस्पताल लिया जाता है और सैम डे पर जो वाल्मीकि की जो पत्नी है वो वही अस्पताल के अंदर होती है अब दुर्भाग्य दुर्भाग्य से होता यूँ है कि दोनों को बेटा होता है लेकिन जो यशोदा को बेटा हुआ है वो थोड़ी देर आँख नहीं खुल रहा होता है और वाल्मीकि कंजूस आदमी होता है और उसकी आर्थिक परिस्थिति ख़राब होने की वजह से वो ऐसा सोचता है कि उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो लेकर ऊपर जाएगा वहाँ रख देगा और वो जो बच्चा आँख नहीं खुल रहा है उसे वो लेकर नीचे आ जाएगा और अपनी वाइफ के पास रख देगा जब उसकी पत्नी आँख खोलेंगी तो बता देगा कि हमारा बच्चा जो हुआ है वो आंख नहीं खुल रहा है हो सकता है कि इनकी मृत्यु हुई है मतलब ऐसी वो सोच रखता है और ये सब कुछ करते हुए एक नर्स देख लेते हैं लेकिन वो उसे धक्का मारता है और वो गिर जाती है फिर आता है दोस्तों कहानी के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट ये होता है कि कुछ समय बाद वही बच्चा आँख खोल देता है अब तो वाल्मीकि को भी शौक़ लगता है लेकिन वो कुछ कर तो नहीं सकता अब तो क्योंकि जो हो गया है वो तो हो गया है अब वही बच्चा जो बड़ा हो बड़ा होकर बंटू यानी कि अलोअर्जन होते हैं जो कि वाल्मीकि के साथ रहता है और जो वाल्मीकि का जो बच्चा होता है इनका नाम राज मनोहर है जो कि अब यशोदा के पास है और एक रही जिंदगी जी रहा होता है लेकिन वो बात तो दोस्तों है ना कि सच्चा एक दिन ज़रूर सामने आ ही जाती है भले ही आप कितना भी छुपा लो और ऐसा ही दोस्तों एक दिन हो ही जाता है जो बंटू है इसको सब कुछ मालूम पड़ ही जाता है कि दरअसल जो वाल्मीकि है वो मेरा असली पिता नहीं है असली पिता उसका रामचंद्रा है और उसकी असली माता यशोदा है लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना दोस्तों वो वाकई ही बहुत ही गजब का है एकदम परफेक्ट क्लाइमेक्स आप इसे कह सकते हैं फिल्म वाकई ही बहुत ही अच्छी बनाई गई है और ये भी आप ज़रूर जानिए कि जब उसे मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि उसका असली पिता नहीं है तो क्या क्या सीन यहाँ पर होते हैं और आपको यहाँ पर जो व्यस्तें भी चुतने वो भी देखने को मिलते हैं इस फिल्म के अंदर इनका भी दोस्तों काफ़ी अच्छा रोल फिल्म के अंदर है हालांकि वो बहुत सारे शो के अंदर भी आपको देखने को मिली होगी और काफ़ी सारे रील्स में भी वो काफ़ी पॉपुलर है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा आप कोई निराश नहीं करेंगी अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी आप इसे देख सकते हैं साउथ में दोस्तों वैसे तो बहुत सारी ज़बरदस्त मूवीज़ अवेलेबल है लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसे भी होती है जो कि हमारे दिल को छू लेती है और उसे हम लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं आज मैं आपको साउथ की ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है अल्लाह वेंकटपुरमुल वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो शानदार फिल्म है वो कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं और अगर हमें हिंदी के अंदर देखनी है तो कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है और इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कास्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे मतलब आपको फ़िल्म के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी जो है वो मिलने वाली है फिल्म दोस्तों वाकई ही बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और जो अल्लू अर्जुन है इनकी जो करियर है इनकी जो मूवीज़ है वो मूवीज़ में से एक बहुत ही बेहतरीन मूवी साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म का कारोबार भी काफ़ी बढ़िया रहा था काश इस मूवी को उस टाइम पर हिंदी के अंदर भी रिलीज़ कराया जाता तो शायद ये मूवी दोस्तों और कमाल कर देती तो अगर फ़िल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2020 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और यहाँ पर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिला था दोस्तों आपको बताया होगा कि 2020 के अंदर हमें लॉकडाउन भी देखने को मिला था लेकिन ये फिल्म उससे पहले रिलीज़ हो गई थी अगर लॉकडाउन के टाइम पे भी रिलीज़ होती तो शायद अल्लू अर्जुन का इतना क्रेज़ है कि मूवी ज़रूर हिट होती खैर ये मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्ट रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ है सौ पड़ते से किसे मिले हुए हैं रोट एन की तरफ से और सात पॉइंट तीन की रेटिंग इसे मिली है आईएमडीबी की तरफ से और इसे डायरेक्ट किया हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले दे चुके हैं जैसे कि अत्थाड़ू है गुंटूरू कारम और अरविंद सामथा वीरा राघवा कलेजा जुलाई ऐसी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने दे रखी है इनके दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो काफ़ी फेमस भी रही है जैसे कि सन ऑफ सत्यमूर्ति जो कि बहुत ही बढ़िया फिल्म रही थी अगर हम डबिंग की बात करें तो इस फिल्म की डबिंग भी काफी अच्छी कराई गई है जो कि गोल्ड मैन ने कराई है जो गोल्ड मैन से इन्होंने ही इस फिल्म की डबिंग कराई हुई है तो डबिंग भी दोस्तों इस फिल्म की काफी शानदार हुई है और संकेत महाद्रे का ही वॉइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है फिल्म के कास्ट में आपको पूजा हैगड़े वैष्णवी चतनिया जया राम अल्लू अर्जुन निवथा पैथुराज सुशांत अनुमोलू तब्बू मुरली शर्मा करणी रोहिणी सचिन केडेकर नवदीप ऐश्वरी राव गोविंद हाइपर आदि सत्यराज नसर किशोर कल्याणी राजेंद्र प्रसाद हर्षवर्धन राहुल रामा ब्रह्मा जी ऐसे आपको बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो आपको बिल्कुल भी दोस्त निराश नहीं होने देगा तो चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ही अवेलेबल नहीं है इसके लिए आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगी आप लोग टी पर इसे जो है वो देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको टी पर देखने को मिल जाएंगी आपको टी पर आसानी से ये फ़िल्म मिलेंगी और अक्सर जो गोल्ड माइंड से इनकी टी चैनल पर ये मूवी आती रहती है तो आप टी पर भी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये फिल्म जो है बनाई गई है और शुरू से लेकर एंड तक ये जो है आपको बांधे रखती है और इसमें ये जो है वो कामयाब रहती है इसे प्रोड्यूस किया था हारिका एंड हसीन क्रियसन ने इसके अलावा जो अलू अर्जुन के पिताजी है वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी रहे हैं मूवी के अंदर आपको थमन एस का कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है कहानी काफ़ी सिंपल रहती है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसका स्क्रीन प्ले सिनेटोग्राफी हो बहुत ही बढ़िया है शुरुआत के अंदर आपको ये दिखाया गया है कि जो मुरली शर्मा है इनका नाम वाल्मीकि फ़िल्म के अंदर होता है वो एक बहुत ही बड़ा जो रहीस ख़ानदान होता है वहाँ पर वो काम करता है जॉब की और मतलब उनकी जो मालकिन है वाल्मीकि की जो मालकिन तब्बू है यानी कि यशोदा है वो होती है प्रेग्नेंट और उसे हस्पताल लिया जाता है और सैम डे पर जो वाल्मीकि की जो पत्नी है वो वही अस्पताल के अंदर होती है अब दुर्भाग्य दुर्भाग्य से होता यूँ है कि दोनों को बेटा होता है लेकिन जो यशोदा को बेटा हुआ है वो थोड़ी देर आँख नहीं खुल रहा होता है और वाल्मीकि कंजूस आदमी होता है और उसकी आर्थिक परिस्थिति ख़राब होने की वजह से वो ऐसा सोचता है कि उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो लेकर ऊपर जाएगा वहाँ रख देगा और वो जो बच्चा आँख नहीं खुल रहा है उसे वो लेकर नीचे आ जाएगा और अपनी वाइफ के पास रख देगा जब उसकी पत्नी आँख खोलेंगी तो बता देगा कि हमारा बच्चा जो हुआ है वो आंख नहीं खोल रहा है हो सकता है कि इनकी मृत्यु हुई है मतलब ऐसी वो सोच रखता है और ये सब कुछ करते हुए एक नर्स देख लेती है लेकिन वो उसे धक्का मारता है और वो गिर जाती है फिर आता है दोस्तों कहानी के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट ये होता है कि कुछ समय बाद वही बच्चा आँख खोल देता है अब तो वाल्मीकि को भी शौक लगता है लेकिन वो कुछ कर तो नहीं सकता अब क्योंकि जो हो गया है वो तो हो गया है अब वही बच्चा जो बड़ा हो बड़ा होकर बंटू यानी कि अलोर्जुन होते हैं जो कि वाल्मीकि के साथ रहता है और जो वाल्मीकि का जो बच्चा होता है इनका नाम राज मनोहर है जो कि अब यशोदा के पास है और एक रही जिंदगी जी रहा होता है लेकिन वो बात तो दोस्तों है ही ना कि सच्चा एक दिन ज़रूर सामने आ ही जाती है भले ही आप कितना भी छुपा लो और ऐसा ही दोस्तों एक दिन हो ही जाता है जो बंटू है इसको सब कुछ मालूम पड़ ही जाता है कि दरअसल जो वाल्मीकि है वो मेरा असली पिता नहीं है असली पिता उसका रामचंद्रा है और उसकी असली माता यशोदा है लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना दोस्तों वो वाकई ही बहुत ही गजब का है एकदम परफेक्ट क्लाइमेक्स आप इसे कह सकते हैं फिल्म वाकई ही बहुत ही अच्छी बनाई गई है और ये भी आप ज़रूर जानिए कि जब उसे मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि उसका असली पिता नहीं है तो क्या क्या सीन यहाँ पर होते हैं और आपको यहाँ पर जो व्यस्त भी चतने वो भी देखने को मिलते हैं इस फिल्म के अंदर इनका भी दोस्तों काफ़ी अच्छा रोल फिल्म के अंदर है हालांकि वो बहुत सारे शो के अंदर भी आपको देखने को मिली होगी और काफ़ी सारे रील्स में भी वो काफ़ी पॉपुलर है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा आप कोई निराश नहीं करेंगे अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी आप इसे देख सकते हैं साउथ में दोस्तों वैसे तो बहुत सारी ज़बरदस्त मूवीज़ अवेलेबल है लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसे भी होती है जो कि हमारे दिल को छू लेती है और उसे हम लंबे समय तक नहीं भूल पाते हैं आज मैं आपको साउथ की ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है अल्लाह वेंकटपुरमुल वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो शानदार फिल्म है वो कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं और अगर हमें हिंदी के अंदर देखनी है तो कौन से प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है और इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कास्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे मतलब आपको फ़िल्म के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी जो है वो मिलने वाली है फिल्म दोस्तों वाकई ही बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और जो अल्लू अर्जुन है इनकी जो करियर है इनकी जो मूवीज़ है वो मूवीज़ में से एक बहुत ही बेहतरीन मूवी साबित हुई है बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म का कारोबार भी काफ़ी बढ़िया रहा था काश इस मूवी को उस टाइम पर हिंदी के अंदर भी रिलीज़ कराया जाता तो शायद ये मूवी दोस्तों और कमाल कर देती तो अगर फ़िल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2020 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और यहाँ पर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिला था दोस्तों आपको बताया होगा कि 2020 के अंदर हमें लॉकडाउन भी देखने को मिला था लेकिन ये फिल्म उससे पहले रिलीज़ हो गई थी अगर लॉकडाउन के टाइम पे भी रिलीज़ होती तो शायद अल्लू अर्जुन का इतना क्रेज़ है कि मूवी ज़रूर हिट होती खैर ये मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्ट रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ है सौ पड़ते से किसे मिले हुए हैं रोटेन टमाटो की तरफ से और सात पॉइंट तीन की रेटिंग इसे मिली है आईएमडीबी की तरफ से और इसे डायरेक्ट किया हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले दे चुके हैं जैसे कि अत्थाड़ू है गुंटूरु कारम और अरविंद सामथा वीरा राघवा कलेजा जुलाए ऐसी बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने दे रखी है इनके दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वो काफ़ी फेमस भी रही है जैसे कि सन ऑफ सत्यमूर्ति जो कि बहुत ही बढ़िया फिल्म रही थी अगर हम डबिंग की बात करें तो इस फिल्म की डबिंग भी काफी अच्छी कराई गई है जो कि गोल्ड मैन ने कराई है जो गोल्ड मैन से इन्होंने ही इस फिल्म की डबिंग कराई हुई है तो डबिंग भी दोस्तों इस फिल्म की काफी शानदार हुई है और संकेत महाद्रे का ही वॉइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है फिल्म के कास्ट में आपको पूजा हैगड़े वैष्णवी चतनिया जया राम अल्लू अर्जुन निवथा पैथुराज सुशांत अनुमोलू तब्बू मुरली शर्मा समुद्र करणी रोहिणी सचिन केडेकर नवदीप ऐश्वरी राव गोविंद हाइपर आदि सत्यराज सुनील नसर वनला किशोर तनिकला भरानी कल्याणी एन राजेंद्र प्रसाद हर्षवर्धन राहुल रामा ब्रह्मा जी ऐसे आपको बहुत सारे किरदार जो है वो फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो आपको बिल्कुल भी दोष निराश नहीं होने देगा तो चलिए अब जानते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ही अवेलेबल नहीं है इसके लिए आपको जो है वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यानी कि जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा जो गोल्ड मैंस का टी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिल जाएगी आप लोग टी पर इसे जो है वो देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको टीवी पर देखने को मिल जाएंगी आपको टीवी पर आसानी से ये फ़िल्म मिलेंगी और अक्सर जो गोल्ड माइंड से इनकी टी चैनल पर ये मूवी आती रहती है तो आप टी पर भी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये फिल्म जो है बनाई गई है और शुरू से लेकर एंड तक ये जो है आपको बांधे रखती है और इसमें ये जो है वो कामयाब रहती है इसे प्रोड्यूस किया था हारिका एंड हसीन क्रियसन ने इसके अलावा जो अलू अर्जुन के पिताजी है वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी रहे हैं मूवी के अंदर आपको थमन एस का कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है कहानी काफ़ी सिंपल रहती है दोस्तों लेकिन जिस तरह से इसका स्क्रीन प्ले सीनेटोग्राफी हो बहुत ही बढ़िया है शुरुआत के अंदर आपको ये दिखाया गया है कि जो मुरली शर्मा है इनका नाम वाल्मीकि फ़िल्म के अंदर होता है वो एक बहुत ही बड़ा जो रहीस ख़ानदान होता है वहाँ पर वो काम करता है जॉब की और मतलब उनकी जो मालकिन है वाल्मीकि की जो मालकिन तब्बू है यानी कि यशोदा है वो होती है प्रेग्नेंट और उसे हस्पताल लिया जाता है और सैम डे पर जो वाल्मीकि की जो पत्नी है वो वही अस्पताल के अंदर होती है अब दुर्भाग्य दुर्भाग्य से होता यूँ है कि दोनों को बेटा होता है लेकिन जो यशोदा को बेटा हुआ है वो थोड़ी देर आँख नहीं खुल रहा होता है और वाल्मीकि कंजूस आदमी होता है और उसकी आर्थिक परिस्थिति ख़राब होने की वजह से वो ऐसा सोचता है कि उसकी वाइफ को जो बच्चा हुआ है वो लेकर ऊपर जाएगा वहाँ रख देगा और वो जो बच्चा आँख नहीं खुल रहा है उसे वो लेकर नीचे आ जाएगा और अपनी वाइफ के पास रख देगा जब उसकी पत्नी आँख खोलेंगी तो बता देगा कि हमारा बच्चा जो हुआ है वो आंख नहीं खोल रहा है हो सकता है कि इनकी मृत्यु हुई है मतलब ऐसी वो सोच रखता है और ये सब कुछ करते हुए एक नर्स देख लेती है लेकिन वो उसे धक्का मारता है और वो गिर जाती है फिर आता है दोस्तों कहानी के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट ये होता है कि कुछ समय बाद वही बच्चा आँख खोल देता है अब तो वाल्मीकि को भी शौक लगता है लेकिन वो कुछ कर तो नहीं सकता अब क्योंकि जो हो गया है वो तो हो गया है अब वही बच्चा जो बड़ा हो बड़ा होकर बंटू यानी कि आलोर्जन होते हैं जो कि वाल्मीकि के साथ रहता है और जो वाल्मीकि का जो बच्चा होता है इनका नाम राज मनोहर है जो कि अब यशोदा के पास है और एक रही जिंदगी जी रहा होता है लेकिन वो बात तो दोस्तों है ही ना कि सच्चा एक दिन ज़रूर सामने आ ही जाती है भले ही आप कितना भी छुपा लो और ऐसा ही दोस्तों एक दिन हो ही जाता है जो बंटू है इसको सब कुछ मालूम पड़ ही जाता है कि दरअसल जो वाल्मीकि है वो मेरा असली पिता नहीं है असली पिता उसका रामचंद्रा है और उसकी असली माता यशोदा है लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स है ना दोस्तों वो वाकई बहुत ही गजब का है एकदम परफेक्ट क्लाइमेक्स आप इसे कह सकते हैं फिल्म वाकई बहुत ही अच्छी बनाई गई है और ये भी आप ज़रूर जानिए कि जब उसे मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि उसका असली पिता नहीं है तो क्या क्या सीन यहाँ पर होते हैं और आपको यहाँ पर जो व्यस्त हो भी चतनी देखने को मिलते हैं इस फिल्म के अंदर इनका भी दोस्तों काफ़ी अच्छा रोल फिल्म के अंदर है हालांकि वो बहुत सारे शो के अंदर भी आपको देखने को मिली होगी और काफ़ी सारे रील्स में भी वो काफ़ी पॉपुलर है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा आप कोई निराश नहीं करेंगी अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी आप इसे देख सकते हैं